हेलो बच्चों, मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। तो अब हम शुरुआत करते हैं डिस्कशन मेजर 6 टेस्ट जेई मेंस पार्ट। तो इसमें हम टोटल 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं, 20 सिंगल चॉइस एंड देन 5 इंटीजर। ओके, पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी 8 i/k व्हेन इट इज एट 2, 3। ओके, इट ब्रेक्स इंटू 3 इक्वल पार्ट। After 2 seconds, the coordinate of two particles are this 8, 6 and -6, 8. Then third coordinate will be. तो देखो यहाँ पे शुरुआत का coordinate कितना है? T equals to 0 पे ये break हुआ है, okay? तो 2, 3, 0 ये इसका initial coordinate है। यहाँ पे वो break हुआ है और उसके दो उस time पे उसकी velocity कितनी थी? Velocity थी ui cap. This is 8 i cap. दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। तो इसका मतलब फाइनल कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 सेकेंड बाद? तो आर फाइनल हो जाएगा भाई। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? यू इंटू डेल्टा टी। तो यू कितना हो जाएगा यहाँ पर? यू हो जाएगा मेरे पास 8 i cap, डेल्टा टी कितना है 2 सेकेंड, एंड दिस इज वॉट डेल्टा आर। तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल इज 16 i cap। आर फाइनल इक्वल्स टू वॉट? आर इनिशियल प्लस 16 i cap। इनिशियल कितना हो जाएगा? 2, 3। ओके, यानी कि 2 i cap प्लस j cap, 3 j cap प्लस 16 i cap। तो इट विल बी 18 i cap प्लस 3 j cap। दिस इज वॉट आर फाइनल। तो आर फाइनल यहाँ पे हो गया। अब इस केस में ये आर फाइनल हो गया ना। अब ये फाइनल कोऑर्डिनेट तब होता जब ब्लास्ट नहीं होता, लेकिन ब्लास्ट में भी तो इंटरनल फोर्सेस ही लगते हैं, एक्सटर्नल तो लगते नहीं। इसका मतलब ब्लास्ट के केस में भी जो फाइनल सेंटर फाइनल सिस्टम का कोऑर्डिनेट रहेगा वो इतना ही रहेगा। तो इसका मतलब आर फाइनल इक्वल्स टू m1 r1, m2 r2 प्लस m3 r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो आर फाइनल में क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर? आर फाइनल ये तो सिस्टम के लिए 8 i। अब देखो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट जो है, जेड कोऑर्डिनेट सबका जीरो है, है ना। केवल यहाँ अपन को x और y कोऑर्डिनेट रखना है। तो ये हो जाएगा 18 i प्लस 3 j। अब m1 r1 कितना दिया हुआ है? m1 आपको दिया है 2 सेकेंड, 2 पार्टिकल्स इक्वल पार्ट में टूटा ना। तो देखो यहाँ पर मास कितना हो जाएगा? m/3, है ना, m/3। और इसका r1 कितना है बेटा? 8 i cap प्लस 6 j cap। फिर इसका m2 का m/3 मास, और इसका है -6 i cap प्लस 8 j cap। और ये हो जाएगा m/3, इसको मान लेता हूँ मैं x i cap प्लस y j cap, एंड देन इधर m। बस अब इसको सॉल्व करना है तो आपका इजीली यहाँ पे आंसर बन जाएगा। ओके बच्चों, तो सॉल्व करो तो 3 18 3 54, और ये 8 कटेगा, 2 कटेगा 52। तो ये आपका फर्स्ट थर्ड ऑप्शन बन जाएगा। इसको सॉल्व करोगे ना तो ऑन सॉल्विंग x आ जाएगा आपके पास थर्ड ऑप्शन 52 i cap माइनस 5 j cap। इसके बाद प्योर कैलकुलेशन और आंसर आ रहा है। फिर अगला बोल रहे हैं, दो पार्टिकल जो है ए बी मूविंग स्टार्ट मूविंग ड्यू टू देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन। म्यूचुअल इंटरेक्शन बोलने का मतलब क्या है बच्चों? म्यूचुअल इंटरेक्शन का मतलब होता है एफ एक्सटर्नल जीरो। एफ एक्सटर्नल जीरो होने का मतलब क्या हुआ? कि मोमेंटम चेंज नहीं होगा। इसका मतलब पी फाइनल इक्वल्स टू पी इनिशियल। अब पी फाइनल जो है, देखो सिस्टम का मोमेंटम बाद में बोल रहे हैं कि कुछ टाइम बाद इनकी वेलोसिटीज जो है वो वी एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। तो ये इसका फाइनल मोमेंटम है। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? इनिशियली दोनों पार्टिकल रुके हुए थे तो जीरो। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर जो इनकी वेलोसिटीज है ये पूरा कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा ये। तो आपका ये ऑप्शन सही बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन सही बन जाएगा। वेलोसिटीज डायरेक्ट जीरो के इक्वल नहीं होगी, ध्यान रखना। मोमेंटम जीरो होता है, वेलोसिटीज का टोटल एडिशन करोगे वो जीरो आना जरूरी नहीं है, ठीक है। वर्क जीरो नहीं होगा क्योंकि दोनों पे इंटरनल फोर्स पॉजिटिव वर्क करेगा, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी तो कुछ ना कुछ होगी, ध्यान रखना। इस केस में वर्क डन जीरो नहीं होता है। और एक्सेलरेशन डायरेक्ट जोड़ोगे जीरो नहीं आएगा, एक्चुअली फोर्स जीरो होता है। दूसरी इक्वेशन आप ये जरूर बना सकते हो कि मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी इज जीरो, ठीक है। आप ऐसे जरूर बना सकते हो। फिर उसका तीसरे में आपको बोला है कि दो ब्लॉक्स हैं, है ना, और इसमें बोल रहे हैं कि बाद में जब ये देखो यहाँ पे है ना, ये जब यहाँ पर इस तरह का ब्लॉक है ना, एक्चुअली ये एकदम स्मूथ है, शार्प टर्न नहीं है,
और यहाँ पे छोटा ब्लॉक जो है वो कितनी स्पीड से जा रहा है बेटा, ये जा रहा है यू स्पीड से पीछे, और ये कैपिटल एम मास का ब्लॉक यू स्पीड से आगे। इस पूरे सिस्टम पे ग्राउंड की वजह से कोई एक्सटर्नल फ्रिक्शन नहीं लगेगा, लेकिन आपस में तो फ्रिक्शन है ना, ये सरफेस में फ्रिक्शन है, म्यू कोएफिशिएंट कुछ भी मान लो। तो देखो इनमें शुरुआत में रिलेटिव मोशन है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, इसलिए क्या होगा इनमें स्लाइडिंग, स्लाइडिंग की वजह से काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ये बोल रहे हैं कि बात की कंडीशन क्या है कि आफ्टर सम टाइम इट इज ऑब्जर्व दैट बोथ ब्लॉक आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ लोअर ब्लॉक। बाद में कुछ टाइम बाद ये दोनों ब्लॉक जो है वो कुछ इस तरह से मान लो यहां तक आया होगा, और ये कुछ वी स्पीड से मूव कर रहे हैं, और ये वी स्पीड जो है वो यू बाई टू से तो ज्यादा है। ओके, तो ये वी स्पीड जो है वो यू बाई टू से ज्यादा है, इतना इन्होंने बोल दिया। चलो इस पूरी प्रोसेस में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, फ्रिक्शन जो है वो इंटरनल है। तो एफ के, दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंटरनल, एफ के अगर इंटरनल है तो इसका मतलब क्या होगा, एफ एक्सटर्नल जीरो, अगेन पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल। अब पी इनिशियल कितना है इस केस में, देखो इनिशियल मोमेंटम है एम माइनस यू, कैपिटल एम प्लस यू, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम वी, तो इससे वी आ जाएगा मेरे पास कैपिटल एम यू माइनस एम यू एम प्लस एम, ये हो गया। अब वी ग्रेटर देन क्या होगा इस केस में, यू बाई टू, वी जो है वो यू बाई टू से ज्यादा है ना, तो इन दोनों इक्वेशंस की मदद से अपन यहां अरेंज करेंगे तो एम यू माइनस स्मॉल एम यू अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम ग्रेटर देन यू बाई टू। ओके, तो यह कितना हो जाएगा बेटा, टू एम यू माइनस ऑफ टू एम यू इज ग्रेटर देन टू, सॉरी एम प्लस स्मॉल एम, तो ये हो जाएगा एम ग्रेटर देन थ्री एम। तो अपना यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, ये कौन सा ऑप्शन है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन है, तो इजीली अपना फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बन रहा है। ओके बच्चों, तो ये तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, नोट करें इसे। चौथे में आपसे बोला है कि एक ट्रॉली जिसमें रेत भरी हुई है और ये वी स्पीड से चल रही है, और कुछ टाइम बाद इसमें से रेत जो है वो म्यू केजी पर सेकंड की रेट से गिरना शुरू होती है, तो वेलोसिटी क्या होगी टाइम के साथ। तो जैसे मान लो ये ट्रॉली है ना, अब इसमें जब वेलोसिटी जो रेत है वो भी तो इसके साथ वी वेलोसिटी से जा रही है, कुछ टाइम बाद जब इसमें से इसमें मान लो एक छेद है ना, और ये यहाँ पे रेत भरी हुई है, अब इस छेद में से अगर रेत गिरना शुरू होती है तो रेत जब गिरेगी तो उसकी भी तो वेलोसिटी उतनी होगी जितनी ट्रॉली की है ना, तो जितना मोमेंटम रेत का ट्रॉली के अंदर थी तब था, उतना ही मोमेंटम लेके वो बाहर निकलेगी है ना। तो इस केस में इसकी स्पीड में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रॉली में रेत जो है वो उतना ही मोमेंटम लेके निकली जितना उसके पास था, तो यहाँ पे मोमेंटम जब रेत का चेंज नहीं होगा तो इस सिस्टम का भी चेंज नहीं होगा, और एक्सटर्नल कोई दूसरे फोर्स भी नहीं है, तो यहाँ टाइम के साथ स्पीड जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगी। ओके बच्चों, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इस केस में, तो बस यही रीजन है कि यहाँ रेत भी जो है वो मोमेंटम लेके निकल रही है, इसलिए ओवरऑल यहाँ भी वी डैश जो है वो सेम रहेगा। ओके, चाहो तो आप इसको ऐसे मान लो, यहाँ पे डेल्टा एम ये रेत को मान लो, डेल्टा एम रेत और बचा हुआ एम, ये बचा हुआ एम और ये बचा हुआ डेल्टा एम, तो देखो जब इसका मोमेंटम चेंज नहीं होता तो इसका भी चेंज नहीं होगा है ना, इस तरह से। फिफ्थ पे आते हैं, ये बोल रहे हैं कि तीन पर्सन जो है वो इनिशियली कॉर्नर पे हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में। देखो यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, जब एक पर्सन इधर जाएगा वी स्पीड से, दूसरा इधर जाएगा वी स्पीड से, तीसरा इधर जाएगा वी स्पीड से, तीनों एक दूसरे को चेस कर रहे हैं है ना, तो जैसे ही यहाँ पर ये थोड़ा सा आगे जाएगा ना, ये अपनी डायरेक्शन ऐसे चेंज कर लेगा, ये अपनी डायरेक्शन उसको देख के चेंज करेगा, और ये वाला इसको देख के डायरेक्शन चेंज करेगा, तीनों फाइनली कहाँ मिलेंगे, ये सेंटर पे, लेकिन सेंटर पे मिलेंगे तो यहाँ पे टाइम जब अपन बताते हैं तो टाइम के लिए अपन क्या लेते हैं, रिलेटिव स्पीड लेते हैं। ये एंगल कितना बनेगा 60, क्योंकि इक्विलेटरल एंगल है, इसका एक कंपोनेंट करो तो इधर कंपोनेंट कितना आएगा वी कॉस 60, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है उसको कवर करवाने में कौन सी वेलोसिटी रोल प्ले कर रही है, ये दोनों वेलोसिटीज, तो अप्रोच वेलोसिटी हो जाएगी किसी भी इंस्टेंट पे वी प्लस वी कॉस 60। इनकी स्पीड तो चेंज नहीं हो रही ना, मतलब अप्रोच वेलोसिटी हमेशा यही रहेगी, तो ये हो जाएगा 3v/2। अब अगर ये पूरे टाइम वेलोसिटी स्पीड को सेम रखते तो अपना टाइम कितना था डी बाई दिस है ना, क्योंकि रिलेटिव में इक्वेशन बनाओगे तो टाइम कैसे निकालोगे, एस रिलेटिव इक्वल्स टू यू रिलेटिव टी, तो एस रिलेटिव में अपन डी कवर करवाते है ना, और इधर हो जाता 3v/2t। ये तो तब होता जब वो पूरे टाइम स्पीड सेम रखते, लेकिन यहां पे उन्होंने शुरू की डी बाई टू में तो स्पीड कितनी रखी वी, तो पहला टी वन टाइम तो ये आ जाएगा डी बाई टू के लिए, तो टी वन टाइम कितना हो जाएगा डी बाई टू अपॉन 2v।
ठीक है, बाद में इन्होंने अपनी स्पीड डबल कर दी, तो बाद का क्या जाएगा, बाद के लिए अगला देखो ये है डी से डी बाई टू तक का टाइम, और डी बाई टू से जीरो तक में उन्होंने अपनी स्पीड कितनी रखी थी, 2v कर दी, तो ये 2v करो इधर t बाई टू लिख दो, तो t2 कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा बेटा d/3v। तो जब इस केस में दोनों को जब आप सोल्व करोगे तो d/3v और d/3v, जस्ट अ मिनट, 2v है ना, पहले v से और बाद में 2v से चल रहे हैं, तो 2v से चल रहे हैं तो ओके d/6v आएगा, तो d/6v अब सोल्व करोगे तो t1 + t2 टोटल टाइम ऐसे निकालेंगे, d/3v + d/6v, तो ये हो जाएगा 3d/6v, दिस इज d/2v, ये आ गया टोटल टाइम इजीली। तो इसके लिए आपको ये बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि बेसिक कंसेप्ट में क्या होता है, जो टोटल डिस्टेंस है उसको अप्रोच वेलोसिटी इससे अपन देखते हैं। ओके, अप्रोच वेलोसिटी यहां पे कैलकुलेट करना है, अच्छा क्वेश्चन है। सिक्स्थ पे आते हैं, ये बोल रहे हैं कि टाइम कितना लगेगा एम्पलीट्यूड का आधा होने, डैम्पिंग का क्वेश्चन है बच्चों, एम्पलीट्यूड डैम्प्ड ऑसिलेशन का क्या होता है, -BT/2m e^(-b)। बी कितना दिया इन्होंने, देखो सारा ग्राम में दिया ना, तो मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं, मास भी इन्होंने ग्राम में दिया है, इसको काटो तो ये हो जाएगा 40/400 t ln 2। ओके, तो इधर जाके ln 2 आ जाएगा, ठीक है, तो t कितना हो जाएगा 10 ln 2 यानी कि 10.693, इजीली बन रहा है बेटा आंसर, है ना। सेवंथ पे आते हैं, ये बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एरिया, जो कैपलर्स लॉ है उसमें एरिया का लॉ क्या कहता है, कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर होता है रेडियस वेक्टर से, तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया थ्योरेटिकल क्वेश्चन। आठवां टॉपलिंग का क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो कभी भी फ्रिक्शन इतना सफिशियंट है कि ऑब्जेक्ट टॉपल नहीं होगा, तो ऑब्जेक्ट अगर टॉपल नहीं हो रहा है बच्चों, तो देखो यहां पर अपन ने फोर्स लगाया एफ, है ना, अब इसमें ये चल नहीं रहा है, सॉरी टॉपल तो होगा चलेगा नहीं, है ना, चल नहीं रहा है मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन भी कितना, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना लगेगा, वो लगेगा एफ जितना ही। अब ये दोनों फोर्स का टॉर्क किधर आ रहा है, देखो क्लॉकवाइज, तो नॉर्मल इसको बचाने का काम करेगा। अब इस पॉइंट के अपन mg के अबाउट देख लेते हैं, ठीक है, तो अबाउट mg, अबाउट mg अबाउट सेंटर, ऐसे सेंटर, सेंटर के अबाउट नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, जीरो, जस्ट टॉपलिंग वाली कंडीशन में ना, कि जस्ट वो टॉपल होने की कंडीशन में आ गया, तो उस केस में F(L/2) है ना, प्लस काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन (L/2), ये दोनों तो पलटाने का काम कर रहे हैं, बचाने वाला टॉर्क कौन है, नॉर्मल (L/2), ठीक है, तो F(L/2) FSB F के बराबर है L/2, और नॉर्मल कितना है mg के बराबर, दैट इज L/2, तो सॉल्व करने पे F कितना आ जाएगा mg/2। एक्चुअली पलटाने वाला टॉर्क जो है वो बचाने वाले से ज्यादा होना चाहिए, तो ये पलटने की कंडीशन ये है कि एफ जो है वो जस्ट इतना या इससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, तो नेट टॉर्क जो है वो जीरो या उससे ज्यादा हो जाएगा ना, उस केस में ऑब्जेक्ट पलटेगा फॉर टॉपलिंग, ये टॉपलिंग की कंडीशन है, ठीक है, तो ये पलटाने वाला टॉर्क और ये बचाने वाला टॉर्क, तो पलटाने वाला जब एक्सीड करेगा तभी तो टॉपल होगा। ओके, फिर इसके बाद आता है अपने पास नाइन्थ में कि ब्रास रोड को अपन ने दूसरी उसका डायमीटर दिया हुआ है, स्टील रोड के साथ ज्वाइन किया हुआ है, और ये दोनों रोड को अपन ने फ्री छोड़ा हुआ है ना, एक रोड इस तरह से और दूसरा रोड इस तरह से, है ना, दोनों फ्री, इनको अपन ने कहीं फिक्स नहीं किया। ये बोल रहे हैं कि कितना इसमें, ये तो बोल रहे हैं कि थर्मल स्ट्रेस आएगा, थर्मल स्ट्रेस तो तब आता है जब रॉड अगर फैलना चाहे या एक्सपेंड होना तो एक्सपेंड होना चाहे या कंप्रेस होना चाहे, और उसको कोई चीज एक्सपेंड या कंप्रेस होने से रोके तो थर्मल स्ट्रेस आता है, यहां तो दोनों के एंड फ्री हैं, इसका मतलब यहां कोई थर्मल स्ट्रेस नहीं आएगा, तो इस केस में थर्मल स्ट्रेस तो आ जाएगा जीरो, है ना, एंड्स जो है वो फ्री है ना, इसका मतलब नो स्ट्रेस, तो इसका मतलब जितना फैलना उतना ये रोड फैल जाएगी, तो टोटल एक्सपेंशन आपसे पूछा है, तो डेल्टा एल वन पहली रॉड का एक्सपेंशन प्लस दूसरी रॉड का एक्सपेंशन, यही होगा L1 α1 ∆t + L2 α2 ∆t। L1 कितना है इसके पास, 50 सेंटीमीटर, और आंसर भी सेंटीमीटर में रखना, तो 50। अल्फा कितना आ जाएगा आपके पास, अल्फा है दोनों की जो लेंथ है वो तो 50 है ना, ठीक है, तो अल्फा यहाँ पे कितना है 2 × 10⁵ + 50, और अगला है 1.2 × 10⁵, और डिफरेंस कितना है डेल्टा टी, डेल्टा टी जो है वो हो जाएगा मेरे पास
250 माइनस 40 यानी कि 210, तो इसको आप सॉल्व करो तो 15 × 200 1.260 10⁻⁵ × 210 तो 160 210 10⁻⁵ ओके। तो ये हो जाएगा अपने पास 16 × 21 10⁻³ बस सॉल्व कर लो इसको आपका आंसर बन जाएगा है ना। तो ये इतना यहाँ सेंटीमीटर में आपका आंसर बन जाएगा इससे ओके बच्चों। फिर उसके बाद आपका 10th क्वेश्चन आता है, एक बार नोट करें यहां तक। अब 10th क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक रेफ्रिजरेटर के लिए आपको परफॉर्मेंस कोफिशिएंट बताना है, टेम्परेचर गिवन है। परफॉर्मेंस कोफिशिएंट और एफिशिएंसी का रिलेशन होता है ईटा बीटा प्लस वन इक्वल्स टू वन, तो बीटा क्या हो जाएगा 1/ईटा-1 ओके 1/ईटा। 1/ईटा कैसे निकालते हैं, ईटा अपन साइड में निकाल लेते हैं 1 - t2/t1 तो 1 - t2 कितना है 273 + 9 273 + 36 तो ये सॉल्व करने पाएगा 27/309 और आप इसको उल्टा करोगे तो 27/309 -1 309/27 - 1 इसको अब आप सॉल्व करें तो आपका आंसर जो है यहाँ पे बन जाएगा इजीली। इसको आप थोड़ा सा माइनस करेंगे इसमें से तो 209 - 27/27 तो 30 माइनस करोगे तो 279 बनेगा, 279 में तीन और जोड़ दो तो 282/27 तो ये ऑलमोस्ट 10.4 से ज़्यादा आएगा, 10.4 के आसपास बनेगा ठीक है। बाकी ऑप्शन तो नहीं बनेंगे इसमें, एक ही ऑप्शन है 10.4 जो इसके आसपास आ सकता है। तो ये 10th हो गया। 11th में आपको पोटेंशियल गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, और कहाँ पे पूछा है, ओरिजिन पे। तो ई क्या होता है dv/dx ∂v/∂x पार्शियल डिफरेंशिएशन माइनस ∂v/∂y माइनस ∂v/∂z के कैप, तो माइनस ऑफ, अब यहां पे क्या हो जाएगा मेरे पास 5i कैप और माइनस पहले से एक है ना, इसमें क्या आ जाएगा 3j कैप। पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं बेटा मैं ना, और ये आएगा √15k कैप। तो E हो जाएगा यहाँ पर 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और √15 का स्क्वायर तो 25, 3 और 15 तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 49 यानी कि 7 ओके। 11th आता है आपको इसमें पोटेंशियल का ग्राफ बताना है। देखो इस प्रकार से जब मेटल प्लेट होता है तो मेटल प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 0, तो ये मेटल यहाँ लिखा हुआ है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल में चेंज नहीं आएगा। तो पोटेंशियल केवल जो है, अब आपको पूछा किस चीज का ग्राफ है, पोटेंशियल का ग्राफ पूछा है ना। अब पोटेंशियल का ग्राफ जो है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट का पूछा है, ओके पोटेंशियल नहीं पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यही तो होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट dv/dx नेगेटिव, तो नेगेटिव dv/dx को अपन क्या बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, पोटेंशियल नहीं पोटेंशियल ग्रेडियंट का ग्राफ पूछा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का ही ग्राफ पूछा एक तरह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ फिर एकदम से 0 होगा, फिर उसके बाद वापस उतना ही हो जाएगा जितना पहले था, इस तरह का ग्राफ। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड से ही बेटा है ना। 13 में आपको क्या दिया हुआ है, देखो फ्रीक्वेंसी कभी भी ट्रांसफॉर्मर चेंज नहीं करता, फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहेगी। तो आपके दो ऑप्शन तो कट गए जिसमें 500 और 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी गिवन है, वो तो कट गए। अब अपना देखो टर्न किस में ज्यादा है, Vs/Vp इक्वल्स टू Ns/Np। Ns कितना दिया हुआ है आपको 5000/510, इसका मतलब Vs इज 10 times of Vp 10 times of 20 मतलब कि 200, तो ये आ गया आपके पास। फिर 14 में आपसे पूछा है कि एक हमने XY प्लेन में एक लूप को रख दिया और इस लूप के लिए आपको बताना है कि इस पे टोटल फोर्स कितना है, ये करंट मान लिया इस तरह से रही होगी,
अब देखो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल गिवन है ना, तो x इक्वल टू जीरो पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, यहाँ x इक्वल टू जीरो है तो यहाँ b की वैल्यू होगी b नॉट, x इक्वल टू l पे b कितना होगा 2b नॉट 1 प्लस l बाई l, तो ये हो जाएगा 2b नॉट, है ना। अब यहाँ पर चलो मैं मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसी भी डायरेक्शन मान सकता हूँ, क्रॉस में मान लेता हूँ, तो इसमें क्रॉस की वजह से फोर्स इधर आएगा, इस पे फोर्स वेरिएबल बनेगा, लेकिन ध्यान रखना इस पे फोर्स वेरिएबल है ना, तो जितना फोर्स इस पे बढ़ता हुआ आएगा उतना ही इधर इस पे अपोजिट में बढ़ता हुआ आएगा, तो इसका मतलब ये दोनों साइड्स एक दूसरे के फोर्स को क्या करेगी, कैंसिल। अब इंटीग्रेट करके कैलकुलेट भी मत करो, पता है ना कैंसिल तो होना है, तो वहां टाइम बचा लो अपना, और इधर अपन यहां लिख देंगे एफ टू और एफ वन, तो एफ वन कितना हो जाएगा आई एल बी वन, इसको बी वन बोल देते हैं, तो आई एल बी नॉट, और एफ टू इसको बी टू बोल देते हैं, एफ टू कितना हो जाएगा, एफ टू हो जाएगा आई एल बी टू, इसका मतलब कि आई एल टू बी नॉट, और ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है, तो एफ नेट कितना हो जाएगा बेटा एफ टू माइनस एफ वन टू आई एल बी नॉट माइनस आई एल बी नॉट, ये आ गया आई एल बी नॉट, तो आपका थर्ड ऑप्शन बन जाएगा। फिर 15 में आपको बोला है कि P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है ना, एक बार लिखे बच्चों यहां तक, फिफ्टीन में आपको देखो यहां पर ये साउथ, ये नॉर्थ और ये नॉर्थ और ये साउथ, तो पी पॉइंट जो वो यहाँ पे डी डिस्टेंस पे, जो कि डी काफ़ी ज़्यादा है ना, बाय डिफॉल्ट तो आपको डी ज़्यादा ही मानना है क्योंकि मैग्नेट के बारे में तो डायमेंशन दी नहीं है ना, तो यहाँ पर ये जो मैग्नेट है इसका मैग्नेटिक मोमेंट दोनों के सेम है, तो मैं इसको फर्स्ट मैग्नेट मान लेता हूँ, इसको सेकेंड, तो एम वन तो आ जा, बी वन तो आएगा इधर, बी टू आएगा अपोजिट में, तो नेट फील्ड इधर आ जाएगा बी नेट, बी वन कितना हो जाएगा, देखो ये इसकी एक्सिस का पॉइंट है ना, तो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई 2m by d क्यूब, म्यू नॉट अपॉन 4π m अपॉन d क्यूब, ठीक है। तो अब इस केस में b नेट कितना हो जाएगा, b नेट हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4π m अपॉन d क्यूब, परपेंडिकुलर है ना, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा रूट 5, आ गया। फिर उसके बाद 16 में आते हैं, 16 में आपको बोला है कि एक पार्टिकल जो है वो चार्ज क्यू से एक्स और मास एम का है एक्सेलरेट करते हैं वी वोल्ट से, ये मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर जाता है, तो रेडियस क्या होगी, तो रेडियस के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा अपने पास, आर इज एम वी बाई क्यू बी, एम वी को लिखते हैं मोमेंटम बाई क्यू बी, मोमेंटम को क्या लिखते हैं 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी 2km रूट 2km बाई क्यू बी, और काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखेंगे क्यू डेल्टा वी, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर करके रूट के अंदर लिख देता हूँ, तो एक क्यू से ये कट जाएगा, क्यू वी कितना बेटा, यहाँ पे वी पोटेंशियल डिफरेंस को वी बोला हुआ है, एम एक क्यू बचा और एक बी को मैं बाहर लिख देता हूँ, ठीक है, या एक बी को बाहर ही रहने दो, है ना, तो मेरे पास यहाँ पर ये मेरा आंसर बनेगा 2mv/q b, इसका थर्ड ऑप्शन बन गया, ईजी है। तो अब यहाँ पे 17 क्वेश्चन में देखो आपको ये बोला है कि एक ग्लास प्लेट पर ये 60 डिग्री के एंगल पे टकराती है ना, और यहाँ ये रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से, तो ये यहाँ पर इसका मतलब ये परपेंडिकुलर होने का मतलब ये जो एंगल है वो कौन सा है, ब्रूस्टर एंगल, तो ये दोनों परपेंडिकुलर होने का मतलब टेन 60 इज म्यू, तो रूट 3 क्या आ जाएगा म्यू। अब आपसे क्रिटिकल एंगल पूछा है, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, साइंस इज 1/μ, यही होता है, तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1/√3, तो साइन सी कितना हो जाएगा 1/√3, लेकिन यहाँ आंसर साइन इनवर्स की टर्म्स में नहीं है, तो इसमें देखो अब एक ट्राइंगल बनाते हैं, ये सी है, ये वन है, ये रूट थ्री है, तो ये रूट टू आएगा, तो अगर साइन सी 1/√3 है तो टेन सी कितना हो जाएगा 1/√2, ये आपका बन जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ओके बच्चों। फिर 17 के बाद 18 पे आते हैं, एक डोरी में आपको बोला है कि ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव मतलब ट्रेवलिंग वेव जो है वो इस तरह से 1, 2, 3 इनके पॉइंट्स गिवन है, तो ये बोल रहे हैं कि इन पॉइंट्स की वेलोसिटी किस तरफ होगी, और वेव जो है वो लेफ्ट से राइट जा रही है, वेव अगर लेफ्ट से राइट जा रही है तो कुछ टाइम बाद,
देखो ये जो पॉइंट्स है ना, तीनों मीन पोजीशन के ही पॉइंट है ना, या आप मीन पोजीशन से ऊपर भी मान लो, कोई इशू नहीं ऐसा है ना यहाँ पे। अब देखो वेव कुछ टाइम बाद इस तरह से बननी चाहिए ना, भाई वेव लेफ्ट से राइट जा रही है, मतलब इस पॉइंट को नीचे आना पड़ेगा, इसको ऊपर जाना पड़ेगा और इसको नीचे आना पड़ेगा, तो ये आ जाएगी इनकी वेलोसिटीज है ना। 19 में बोल रहे हैं कि अगर आप एक्स रे के ट्यूब वोल्टेज को बढ़ाते हो, देखो एक्स रे का जब ट्यूब वोल्टेज बढ़ता है तो जो इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट करेगा टारगेट मेटल पे, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी। तो वोल्टेज जब हम एनोड का बढ़ा देते हैं या ट्यूब वोल्टेज जब बढ़ा देते हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन की बढ़ेगी तो फोटोन की एनर्जी भी तो बढ़ेगी भाई, जो फोटोन निकलेगा उस फोटोन की मैक्सिमम एनर्जी बढ़ेगी। फोटोन की एनर्जी बढ़ना मतलब वेवलेंथ कम होना, इसका मतलब जो लैम्डा मिनिमम है वो और कम हो जाएगा, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह का जो ग्राफ चलता है उस ग्राफ के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसमें ये लैम्डा कैरेक्टरिस्टिक्स तो उतना ही आएगा, लेकिन लैम्डा मिनिमम जो है वो और कम हो जाएगा, तो ये डिफरेंस तो बढ़ेगा ना। लैम्डा मिनिमम जो है बाद में इधर इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ये डिफरेंस जो है वो बढ़ेगा है ना। तो इस केस में लैम्डा के अल्फा मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ और लैम्डा मिनिमम का डिफरेंस बढ़ेगा। ये 19 क्वेश्चन। और 20th की बात कर लेते हैं। 20 में देखो आपको एक गेट गिवन है और इस गेट का आप अगर लॉजिक बनाओगे तो एक बार लिखें, यहां तक सॉल्व करते हैं फिर। अब देखिए बच्चों यहां पर कॉम्बिनेशन जो है वो इस तरह का है कि ये अगर ए है तो यहाँ ए बार आएगा, ये बी, और ये कौन सा गेट है और गेट, तो ए बार प्लस बी हो जाएगा। यहाँ क्या है ए, अब ये मल्टीप्लाई करो तो ए मल्टीप्लाई ए बार प्लस बी, मल्टीप्लाई करोगे तो ए ए बार ए डॉट बी, ए बार हमेशा जीरो होता है क्योंकि अगर ये वन है तो ये जीरो हो जाएगा और अगर ये जीरो है तो ये वन हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर तो जीरो ही आएगा। तो फाइनली मेरे पास बचेगा वाई इक्वल्स टू ए डॉट बी, दिस इज वॉट, दिस इज एंड गेट। ओके, फिर इसके बाद आता अपना फर्स्ट क्वेश्चन इंटीजर पार्ट में। ये बोल रहे हैं कि एक ब्लड ऑफ फ्लड इन लार्ज अर्टरी ऑफ द एनेस्थेटाइज्ड डॉग इज डाइवर्टेड थ्रू ए वेंचुरी मीटर, मतलब क्वेश्चन वेंचुरी मीटर का, कुत्ता उत्ता छोड़ो है ना। अब अपन काम का डेटा निकालते हैं, इसमें से दो एरिया गिवन है। एरिया देखो, एक तो फ्लो रेट का वैल्यू जो है वो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। एक एरिया कितना है मेरे पास 8 V1, और यहाँ मान लेते हैं 4। तो ट्वाइस ऑफ V1 इज V2, एक तो ये इक्वेशन है मेरे पास। बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, और वेंचुरी मीटर में हाइट वाला फैक्टर सेम लेते हैं, तो अपना जो P1 प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, इस तरह की इक्वेशंस बनेगी। जब इसमें आप डेल्टा P निकालोगे तो डेल्टा P हो जाएगा मेरे पास हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ V2 जो है वो तो 2V1 है ना, तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे पास हाफ रो V2 हो जाएगा मेरे पास ट्वाइस ऑफ V। अब V2 को V मान लो तो V1 को V मान लो तो V2 कितना हो जाएगा 2V, तो 2V का स्क्वायर माइनस ऑफ V स्क्वायर हाफ रो 3V स्क्वायर, और ये कितना दिया 24 पास्कल, पास्कल में दिया हुआ कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 24 × 2 रो कितना है, रो को डिवाइड करो बेटा 1.6 × 10³। ये तो रो डिवाइड हुआ, 3 भी तो डिवाइड होगा 3V, सॉल्व कर लो आ जाएगा आंसर। स्पीड ही पूछिए आपसे, अच्छा सेंटीमीटर पर सेकंड में पूछा है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, सेंटीमीटर पर सेकंड में आपको आंसर निकालना है। फिर इसमें बोल रहे हैं कि यदि आर रेडियस की कैपिलरी ट्यूब को आप पानी में डुबो तो हाइट एच है, तो हमें पता है किसी भी कैपिलरी ट्यूब के लिए एच और आर का मल्टीपल कॉन्स्टेंट होता है। इसका मतलब अगर आप हाइट डबल करोगे, नहीं हाइट जो है वो रेडियस कितना किया आपने, डबल किया ना, तो यहां पर रेडियस को अगर आपने 2R किया तो हाइट जो है वो एच डैश
इक्वल्स टू एच इंटू आर, तो एच डैश कितना हो जाएगा एच बाई टू, मास क्या होता है डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो एम डैश कितना हो जाएगा रो इंटू पाई, आर की जगह टू आर का स्क्वायर और एच बाई टू, तो ये हो जाएगा टू एम, तो टू इंटू फाइव ग्राम अगर पहले चढ़ रहा है तो अब कितना टेन ग्राम आएगा, ये आ गया आपका आंसर। थर्ड में बोल रहे हैं कि करंट का वेरिएशन आपको गिवन है, दो से छः के बीच का चार्ज बताना है, ये तो आसान है, डेल्टा क्यू क्या होता है आई डॉट डी टी, सिंपल इंटीग्रेट कर दो तो फोर टी प्लस टू टी स्क्वायर बाई टू, और लिमिट डाल दो टू से सिक्स, टू से सिक्स तो चार चार प्लस छत्तीस माइनस चार तो सिक्सटीन और थर्टी टू फोर्टी एट आ गया। फिर इसके बाद फोर्थ में बोल रहे हैं कि इसका विजन फील्ड ऑफ व्यू कितना होगा, तो फील्ड ऑफ व्यू के लिए देखो यहां पे सिंपल सा अपन यहां पे कैलकुलेशंस कर लेते हैं, ये यहां पर एक सोर्स है, ये टेन दिया हुआ है, ये भी टेन दिया हुआ है, है ना, ये इस प्रकार से। अब ये देखो ये टेन है और आगे फिर टेन पे एक वॉल भी है ना, इस प्रकार से एक बार ये बोर्ड साफ करते हैं। तो देखो यहां पर 10 पे वापस एक वॉल भी गिवन है आपको, तो ये जब यहां पे एंगल कितना बना रहा है 45, तो ये एंगल भी कितना बनाएगा 45, तो अगर ये 20 है तो ये भी 20 होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना इसमें। तो दूसरी वाली रे जब आएगी, देखो दूसरी वाली रे एक और लेके आते हैं, ये जब रे आएगी तो यहां से देखो अब इसने 20 का डिस्टेंस कवर किया, 10 नीचे आई, तो इधर 10 आगे जाने पे केवल 5 ही ऊपर जाएगी, तो ये केवल 5 ऊपर जाएगी क्योंकि एंगल तो सेम होने ही ना, तो देखो इसका मतलब बाकी सारी की सारी रे जो है वो इस रीजन में रहेगी, इस रीजन में, है ना, तो अपनी जो रे है उसका फील्ड ऑफ व्यू कितना है 20 और 5 माइनस करो तो ये रीजन हो जाएगा 15, तो 15 का रीजन है फील्ड ऑफ व्यू का। ओके, देन इसके बाद फिफ्थ पे आ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन, तो इसमें आपको जेनर डायोड में करंट बतानी है, ये तो सिंपल क्वेश्चन, जेनर डायोड का बेसिक क्वेश्चन जो होता है वही है, तो थोड़ी देर के लिए इसमें क्या करें आप जेनर को हटाएं एक बार दो, है ना, एक तो बेसिक सर्किट है, पहले जेनर को हटा के देखिए कि भाई इस रेजिस्टेंस पे कितना ड्रॉप आ रहा है, तो ये रेजिस्टेंस है 2000, बैटरी कितनी दी हुई आपको 10 वोल्ट की, थोड़ी देर के लिए सोचो अगर जेनर नहीं होता तो इस पे ड्रॉप आता 8 वोल्ट का और इस पे आता 2 वोल्ट का, 8 वोल्ट तो जेनर वोल्टेज से ज्यादा है ना, तो 8 वोल्ट ग्रेटर देन वीजेड, इसका मतलब वीजेड जो है वो क्या करेगा, वो रिवर्स में है, मतलब जेनर वोल्टेज से ज्यादा होने पर क्या काम करेगा, जेनर एक्ट एज सेल, जीनर एक्ट एज सेल, तो पहले चेक करना पड़ता है कि भाई जीनर जिस पॉइंट के अक्रॉस लगा उसका वोल्टेज कितना आ रहा है, 8 वोल्ट है और जीनर को ये क्या कर रहा है, ये 8 वोल्ट जीनर को रिवर्स कर रहा है, तो जीनर पे जो रिवर्स वोल्ट है वो 8 वोल्ट है ना, उसके वीजेड से ज्यादा है, तो इस केस में जीनर को अब यहां पर सर्किट को वापस रीड्रॉ करो, जीनर को एक सेल से रिप्लेस करो, इसका वीजेड कितना है 5, यहां रेजिस्टेंस कितना है 2000 ओम, ये कितना है 500 ओम, इसको अपन ऐसा करते हैं रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, तो ये 0 वोल्ट है ना, ये 0 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये 5 वोल्ट है ना, तो 5 वोल्ट इस पे देखो, इस पे भी 0 और ये भी 5, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना डिफरेंस आया 5 वोल्ट का, तो इसमें करंट कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2.5/2000 है ना, तो 2.5 mA करंट तो इधर आ जाएगी, इधर से कितनी करंट फ्लो हुई, ये हुई 10/500 है ना, तो ये आ जाएगी मेरे पास 10 mA, तो 10 mA इधर गई, उसमें से 2.5 इधर गई, तो इधर कितनी बचेगी, इधर बचेगी 7.5 mA, 7.5 mA मतलब 75 आपका आंसर आ जाएगा इंटीजर में। तो ये अपना यहाँ तक पेपर कंप्लीट हुआ। ओके बच्चों, तो इस पेपर में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो है वो ईजियर साइड पे थे, है ना, जैसे कुत्ते वाले क्वेश्चन और थोड़ा सा लैंग्वेज जो है वो आपको हो सकता है लैंग्वेज से कन्फ्यूजन हुआ हो, लेकिन पेपर जो है वो मेंस लेवल का है और इसी लेवल के पेपर आते हैं, तो बाकी यहाँ से जो भी आपको डाउट्स लगे हो नोट्स में उनको ऐड करते जाएं, कि जैसे आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसको नोट्स में ऐड कर लें, एग्जाम के टाइम पे आपके नोट्स हमेशा अपडेटेड होने चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग, बहुत बढ़िया। मायसेल्फ डॉक्टर रवि जांगिड वेलकम्स यू ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ CLC। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारा ऑनलाइन DTS जो चल रहा है उसमें आज मेजर 6 जो है फुल सिलेबस उसका हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। केमिस्ट्री का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं मैं, उसमें केमिस्ट्री में
इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल का इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक का सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। फिजिकल का सॉल्यूशन हमारे पीसी गुप्ता सर हैं, वो करवाएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 4 में? क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इसका जब हम लोग ओजोनोलिसिस करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक H2O तो क्या बनेगा आप लोगों के पास में? क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, हमारे पास में ये बनेगा इधर ये एल्डिहाइड और यहां पे ये एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, ओजोनोलिसिस दे रखा है, जिंक H2 दे रखा है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। इसके बाद में हमें दे रखा है KOH के साथ में हीटिंग कंडीशन दे रखी है। देखो भैया एल्डोल कंडेंसेशन हो गई, KOH क्या करेगा? KOH एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन केवल यहीं से निकाल सकता है। मतलब हमारे पास में जो बनेगा न्यूक्लियोफाइल जो हमारे पास में बनेगा वो यहाँ पे बना सकता है। अब ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे बना दूंगा और इसको वाटर भी दे देते हैं, वाटर भी दे देते हैं तो 5 मेंबर रिंग बनेगी मेरे पास, 1 2 3 4 5। बिल्कुल ये 5 मेंबर रिंग हम लोगों ने बना दी। इस 5 मेंबर रिंग के ऊपर यहाँ पे हमारे पास OH बन रहा है, यहाँ पे COH बन रहा है। जब इसको हीटिंग करेंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, मतलब H2O हम लोग वापस बाहर निकाल देंगे और हमारे पास में ये प्रोडक्ट बन जाएगा। एक 5 मेंबर रिंग के साथ में प्रोडक्ट बनेगा और ऐसा ऑप्शन हमें कहाँ पे दे रखा है? हमें ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या है? ओजोनोलिसिस है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे? हम लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन करवाई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, NH2 हाइड्रोजन दे रखा है और KOH दे रखा है, कौन सी रिएक्शन है भैया ये? हाँ, ये वुल्फ किशनर रिडक्शन है हमारे पास, वुल्फ किशनर रिडक्शन। लेकिन वुल्फ किशनर रिडक्शन में कुछ साइड प्रोडक्ट्स भी हमारे पास में बन जाते हैं, तो जैसे कि मुझे यहाँ पे ये दे रखा है COCH3, यहाँ पे CH2 नाइट्रोजन, ये CH3 इधर CH2 ये पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। रिएजेंट हमें दे रखा है हाइड्रोजीन के साथ में KOH है, हीटिंग कंडीशन है। जब ये दे रखा है तो ऑब्वियसली इसका रिडक्शन तो होगा ही होगा हमारे पास CH2 में। इसके अलावा देखो भैया ये बेस सेंसिटिव कंपाउंड है, बेस सेंसिटिव कंपाउंड है मतलब बेस की प्रेजेंस में ये कुछ साइड रिएक्शन भी देगा और यहाँ पे हम लोग क्या करवाएंगे कि एलिमिनेशन रिएक्शन करवाएंगे। ये अल्फा ये बीटा एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेंगे, यहाँ से डबल बॉन्ड हम लोग बना देंगे। ठीक है, अब ये मत बोलना सर यहाँ पे जो है ये वाला ज्यादा एसिडिक है, नहीं, जब बेंजाइलिक पोजीशन है तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। अगर ये नहीं होता, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता तो हम लोग इधर से इथीन बना देते हैं, बट नहीं, यहाँ पे ये ज्यादा एसिडिक है तो इस एसिडिक बीटा हाइड्रोजन को हम लोग निकालेंगे और यहाँ पे क्या बना देंगे? एल्कीन बना देंगे। तो ये तो आपके पास बनेगा ही बनेगा, CH2 CH3 बन जाएगा और इधर क्या बन जाएगा मेरे पास? एल्कीन बन जाएगा। इस हाइड्रोजन को मैं निकालूंगा, बीटा हाइड्रोजन को, ये नेगेटिव, ये इधर आएगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देकर इसको बाहर निकाल देंगे, मतलब CH डबल बॉन्ड CH2 ये हम लोग बना देंगे। और देखो ये कहाँ पे दे रखा है हम लोगों को? ये ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, चले हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये 5 था हमारे पास में, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में? क्लोरोफॉर्म दे रखा है प्लस NaOH दे रखा है। एक एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बन रहा है, एक अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बन रहा है। हमसे पूछा है कि अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बी इज, ठीक है, कौन सी रिएक्शन है भैया ये? रिमर-टीमान रिएक्शन है। बिल्कुल, रिमर-टीमान रिएक्शन में हम लोग एक कार्बिन बनाते हैं, एक कार्बिन का रिएक्शन करवाते हैं फादर, लेकिन कभी कभी ये इस तरीके के अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स हमारे पास में बन जाते हैं। ध्यान से देख लेना इनको, OH हमें दे रखा है, यहाँ पे हम लोग इस तरीके से इसको बना लेते हैं। अब क्योंकि बेसिक कंडीशन है मेरे पास में, बेसिक कंडीशन है तो क्या होगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाएगा, इसको मैं OH माइनस लिख दूं, ये इस क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो हम लोगों ने ये बना दिया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, इधर अपने पास में ये डबल बॉन्ड है, ये है और ये है। अब देखो भैया
इसको इधर ले आए, यहाँ पे ले आए, इसको यहाँ पे ले आए, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो हम लोगों ने रेजोनेंस करवा के कहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे। ठीक है, आगे बात समझ में। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ हमारे पास में ऑब्वियसली एक कार्बिन बनी है, CHCl3 दे रखा है प्लस NaOH दे रखा है। क्या करेंगे हम लोग, NaOH इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकालता है, CCl, इसमें से Cl- को निकाल कर हम लोग एक कार्बिन बना देते हैं। क्या बना देते हैं, कार्बिन। और कार्बिन कैसा होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है। तो यहाँ पे अगर मैं ये लिखता हूँ कार्बिन, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये इससे अटैच होगा। ऑब्वियसली ये अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट में तो आप सीधा सीधा यहाँ पे CHO लगा दोगे, ठीक है ना, जो रिवर डिमांड में जनरली करते हो CHO लगा दोगे, बट हमें अनएक्सपेक्टेड बताना है, तो उसकी मैकेनिज्म बता रहा हूँ मैं तुम्हें। यहाँ पे ये बना के इधर डबल बॉन्ड O लगाया, ये लगाया, और जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये कार्बन के ऊपर क्लोरीन, क्लोरीन इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इसको आगे हम लोग हाइड्रोजन अगर इसको मिल जाए तो हम लोग क्या बना देंगे इसको, H2O तो हमारे पास है, इसको जब H2O देंगे हम लोग, यहाँ से एलिमिनेट किया था हम लोगों ने H2O, CHCl, ये बना देंगे। आ गई बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है वहाँ पे, एक रिडक्शन दे रखा है हम लोगों को, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में रिडक्शन है। अब देखो भैया काइरल सेंटर वगैरह हमें दे रखे हैं, तो बिल्कुल देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड ओ दे दिया, और इधर क्या दे रखा है, इधर हमें डैश के ऊपर एक एस्टर बना रखा है COOC2H5। जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में इसका रिडक्शन करवाएंगे, कैसा रिड्यूसिंग एजेंट होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये एक हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जब करेगा रिडक्शन करेगा तो भैया एस्टर की जगह क्या बनाएगा, एस्टर की जगह हमारे पास में एल्कोहल बनेगा, लेकिन वो इस कार्बन के ऊपर यहाँ पे अटैक नहीं करेगा। अटैक कहाँ पे हो रहा है, इधर हो रहा है, तो इसकी स्टीरियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जरूर हमारे पास में दो प्रोडक्ट बनेंगे, चाहे तो हम लोग यहाँ पे OH डैश पे लगा सकते हैं, चाहे तो हम लोग OH जो है वो वेज के ऊपर लगा सकते हैं। एक OH आ जाएगा इधर हमारे पास में, ये CH2OH आ जाएगा। दोनों प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशन है, यहाँ पे तो स्टीरियो फिक्स है, यहाँ पे डिफरेंट है, तो इनको क्या कहेंगे हम लोग, डाइस्टीरियोमर्स कहेंगे। ठीक है, बिल्कुल डाइस्टीरियोमर्स कहेंगे। चलें आगे, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द फॉलोइंग इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में क्या देखते हैं हम लोग, SN1 रिएक्शन में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में एक स्टेबल कार्बोकैटाइन बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, स्टेबल कार्बोकैटाइन बनना चाहिए। सबसे स्टेबल जो कार्बोकैटाइन बनेगा वो किस में बनेगा, नाइट्रोजन के साथ में इधर बनेगा। और क्यों बनेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो डोनेट कर सकता है वो यहाँ पे नाइट्रोजन कर सकता है। ठीक है, डबल बॉन्ड आएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग ये बनाएंगे CH3O CH2 पॉजिटिव, ये बनाएंगे। ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है, बट नाइट्रोजन से उसकी टेंडेंसी क्या होगी, लेस होगी। इसके बाद में हम लोग ये बेंजाइलिक वाला बना देंगे। बेंजाइलिक के बाद में किसका नंबर आ जाएगा आपके पास में, एलाइलिक का नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन है हमारे पास में, और यही जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर किसका हो जाएगा, SN1 रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा। तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले Q के बाद में P के बाद में R फिर S, QPRS हमारे पास में ऑर्डर आ जाएगा। चलें आगे हम लोग। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, अरेंज द फॉलोइंग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगा हमारे पास में क्यू। क्यों आएगा क्यू वाला, क्योंकि वो एक एलिफैटिक अमीन है, एलिफैटिक अमीन जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा बेसिक होते हैं। उसके बाद में कौन आएगा, क्यू के बाद में आएगा हमारे पास में पी। पी क्यों आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन का लॉन पेयर जो है वो फ्री है, बस बगल में कौन है उसके पास में माइनस आई इफेक्ट लग रहा है दोनों तरफ से, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जुड़े हुए हैं, तो माइनस आई इफेक्ट लगेगा, माइनस आई बिल्कुल।
उसके बाद में हम लोग किसको रखेंगे, एस को रखेंगे, क्योंकि वहां पे नाइट्रोजन का लॉन पेयर जो है वो क्या है, रेजोनेंस में है बेंजीन रिंग के साथ में, तो डोनेशन तो होता है बट इतना नहीं होगा, ऊपर से एक विड्रॉइंग ग्रुप भी लगा रखा है, तो एस वाला कम होगा, और सबसे कम कौन सा होगा, अमाइड होगा, ठीक है ना। अमाइड जो होते हैं वो जनरली हम लोग वैसे तो खैर न्यूट्रल जैसे ही होते हैं, बट एसिडिक नेचर उनमें ज्यादा होता है। तो क्या बोल देंगे हम लोग यहाँ पे, ऑर्डर क्या आ जाएगा, Q देन P देन S देन R, थर्ड आंसर अपने पास में हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भैया क्वेश्चन नंबर 10, विच सेट हैज डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स, ट्रैंक्विलाइजर्स दे रखा है इक्विनिल हीरोइन वैलियम, भैया यही गलत है अपने पास, कैसे गलत है, क्योंकि ये जो हीरोइन होता है ना, हीरोइन वो ट्रैंक्विलाइजर नहीं होता, वो ट्रैंक्विलाइजर नहीं होता, वो एक एनाल्जेसिक है, वो भी नार्कोटिक एनाल्जेसिक है, ठीक है ना, कि उसे लेने की आदत पड़ जाती बार बार, एनाल्जेसिक तो है, पेन रिलीविंग है, लेकिन वो नार्कोटिक है, ट्रैंक्विलाइजर के लिए यूज नहीं करते हीरोइन को। तो अपने पास जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वही गलत हो गया, उसमें डिफरेंट सेट है अपने पास में, एंटीसेप्टिक बाइथेनॉल डिटॉल बोरिक एसिड बिल्कुल सही है, एनाल्जेसिक मॉर्फिन एस्पिरिन नेप्रोक्सिन बिल्कुल ठीक है, बैक्टीरिसिडल पेनिसिलिन दे रखा है, अमीनोग्लाइकोसाइड्स दे रखा है, ऑफ्लॉक्सेसिन दे रखा है, बिल्कुल सही है, सारे बैक्टीरिसिडल है। तो अपने पास में आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें हीरोइन क्या होता है अपने पास में, हीरोइन अपने पास में नार्कोटिक एनाल्जेसिक होता है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है हमें, कैप्रोलैक्टम पॉलीमराइजेस टू गिव, कैप्रोलैक्टम ईटा कैप्रोलैक्टम कहते हैं हम लोग, ये सेवन मेंबर्ड रिंग बनाते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे हम लोग ईटा कैप्रोलैक्टम कहते हैं भैया, इसको हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं पहले, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये एसिड और इधर अमीन बन जाएगा, और फिर इसको पॉलीमराइज करवाते हैं, तो ये जब पॉलीमराइज करवाते हैं तो वैसे तो क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्या बना देते हैं हम लोग, नाइलॉन सिक्स बनाते हैं, नाइलॉन सिक्स बना देते हैं इससे, ठीक है ना, ये हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, इधर एसिड बनेगा इधर अमीन बनेगा, उसके बाद उसका पॉलीमराइजेशन करवाएंगे कंडेंसेशन, तो क्या बन जाएगा अपने पास में, नाइलॉन सिक्स पॉलीमर बन जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, असाइन ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या दे रखा है तुम्हें, आईपी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन आईपी ऑफ ओ माइनस, आईपी ऑफ ऑक्सीजन, भैया बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा कर रहे हैं हम लोग, ये 12 क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, अगर हम लोग ऑक्सीजन देखें और ओ माइनस देखें, ओ माइनस वन, तो आईपी किसका ज्यादा होगा, आईपी तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, क्योंकि इसका जो जेड इफेक्टिव है वो क्या है, ज्यादा, इसका जेड इफेक्टिव क्या है, कम है, तो इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल हमारे पास में ज्यादा होगा, लेकिन वो कह रहा है कि लेस है, तो गलत स्टेटमेंट है, पहला वाला स्टेटमेंट गलत है अपने पास में। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, आईपी ऑफ नियॉन इज ग्रेटर देन आईपी ऑफ एनई प्लस, एनई दे रखा है और अब एनई प्लस दे रखा है, जेड इफेक्टिव किसमें ज्यादा होगा, एनई प्लस में ज्यादा होगा, कैटायन बन रहा है इसका, इसमें ज्यादा होगा तो इसका आईपी भी ज्यादा होगा, लेकिन हमें बोल रहा है कि एनई ऑफ इसका ज्यादा दे रखा है, मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारे पास में क्या है, गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है। थर्ड क्या कह रहा है, ईए ऑफ ऑक्सीजन प्लस इज ग्रेटर देन ईए ऑफ ऑक्सीजन है, अच्छा ऑक्सीजन प्लस है इधर और ये ऑक्सीजन है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा है, एफिनिटी तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा होगी, हमें कह रहा है, हमें बिल्कुल यही कह रहा है, तो थर्ड वाला क्या हो गया अपने पास, करेक्ट हो गया। फोर्थ वाला क्या कह रहा है भैया, ऑप्शन नंबर फोर्थ को देखो, IP of N is greater than IP of N plus. N दे रखा है, N plus दे रखा है, और इनके IP की बात कर रहा है, ionization potential की बात कर रहा है, किसका ionization potential ज्यादा हो गया, obviously N plus का ज्यादा होगा, उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए उसमें, लेकिन हमें हमें ये कह रहा है कि N का ज्यादा, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। तो देख लो, फर्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट गलत, थर्ड ट्रू, और ये फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, किस में दे रखा है हमें, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, करेक्ट ऑप्शंस पूछे हैं हमसे क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर, बिल्कुल देख लेते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आई ई टू इज, एफ दे रखा है, एन दे रखा है और ओ दे रखा है, एफ दे रखा है, एन दे रखा है और ओ दे रखा है, जब मैं इसकी बात करूं, किसकी, आई ई टू की बात करूं, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका, 2p4, इसका कितना हो जाएगा 2p2 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 2p3 हो जाएगा, ठीक है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन कम करने के बाद लिख रहा हूं मैं,
माइनस इलेक्ट्रॉन करके, ठीक है ना, ये इधर इसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन माइनस करके लिख रहा हूं। तो जब ये हो गया तो भैया सबसे ज्यादा किसका होगा यहाँ पे, ऑक्सीजन का होगा IE2, क्योंकि वो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद में कौन आएगा, उसके बाद में फ्लोरीन आएगा, फ्लोरीन के बाद में कौन आएगा, फिर अपन नाइट्रोजन बिल्कुल लिख सकते हैं। हमें क्या दे रखा है, हमें गलत दे रखा है भैया, FNO दे रखा है, गलत है, ये नहीं होगा। सेकंड क्या क्या रखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज बर्बेलिना, ठीक है, बोरोन दे रखा है, इधर लिथियम है, इधर सोडियम है, ये है। सीधा सा बात है, अगर हम लोग एक पीरियड में जाते हैं तो साइज क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है, ये बड़ी, ये ऐसे है, और ग्रुप में जाते हैं तो नीचे की तरफ क्या होती जाती है, साइज बढ़ती जाती है। तो सोडियम सबसे ज्यादा है, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, यही दे रखा है हमें, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। थर्ड क्या दे रखा है हमें, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, सोडियम है, जिंक है, कैल्शियम है। भैया जिंक बीच में दे रखा है, गलत है, जिंक का मेटालिक स्ट्रेंथ क्या होगी यहाँ पे, सबसे कम होगी, थर्ड ऑप्शन गलत है अपने पास। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी का ऑर्डर देखूँ अगर मैं तो ओ माइनस टू का कम होगा, उससे ज़्यादा ओ माइनस, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन, और उससे ज़्यादा कौन होगा, ओ प्लस होगा। बट हमें जो ऑर्डर दे रखा है उसमें ओ प्लस कम दे रखा है, ओ का ज़्यादा दे रखा है, गलत है अगेन। तो हमसे जो करेक्ट पूछा था, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सेकेंड ऑप्शन हमारे पास में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चले हम लोग, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 को देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है हम लोगों को, CO NH3 का होल 4 और NO2 का होल ट्वाइस Cl दे रखा है। अब देखो भैया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये क्या क्या एग्जिबिट कर सकता है, सबसे पहले तो इस NO2 की वजह से ये कर सकता है लिंकेज आइसोमेरिज्म, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि NO2 है और क्या हो सकता है, ONO हो सकता है, तो ये तो लिंकेज आइसोमेरिज्म हो जाएगा। यहाँ पे Cl है, ये इनके साथ में एक्सचेंज हो जाए तो ये क्या कर सकता है, ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। और उसके अलावा ये है मेरे पास में MA4B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स, ये क्या कर सकता है, ये मेरे पास में ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है, ज्योमेट्रिकल मतलब सिस एंड ट्रांस हो सकता है। ये जो दो B2 मतलब कि NO2 है वो मेरे पास 180 डिग्री पे हो सकता है, अगर 180 पे हुए तो ट्रांस, और अगर 90 पे हुए तो क्या कह देंगे, सिस कह देंगे। तो ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है, लिंकेज शो कर सकता है, आयनाइजेशन शो कर सकता है, ऑप्टिकल नहीं हो सकता। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें हम लोग, इन विच केस EAN वैल्यू इज नॉट सेटिस्फाइड, EAN की वैल्यू किस में सेटिस्फाई नहीं हो रही, बिल्कुल देख लेते हैं। सबसे पहले फेरोसिन दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, फेरोसिन। तो फेरोसिन में मतलब दो तरीके से कर सकते हो, अगर न्यूट्रल देखते हुए हम लोग चले तो Fe जो है उसका 26 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्लस C5H5 दो हैं, हर एक क्या करेंगे इसको, अगर पांच पांच इलेक्ट्रॉन्स देते हैं तो ये कितना हो गया, 36 हो गया। और अगर Fe+2 मानते हुए करें, Fe+2 मानते हुए अगर हम लोग इसको करें, ये तो नॉर्मल Fe देखा, Fe+2 अगर मानते हुए करें तो इसमें 24 हो जाएगा, और हर एक जो है 2×6 इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि तब साइक्लोपेंटाडाइन पे क्या मान लेते हैं हम लोग, नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं। तो ऐसे करोगे तो भी 24+12 36 इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब जो फर्स्ट वाला है वो अपने पास EAN को फॉलो कर रहा है, फर्स्ट वाला EAN को फॉलो कर रहा है। सेकंड वाले को देखते हैं, निकल DMG दे रखा है हमें, निकल DMG का होल ट्वाइस। यहाँ पे निकल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, +2, क्योंकि DMG पे -1 चार्ज होता है, +2 है, तो ये हो गया मेरे पास में 3D8 4S2 लिखते हैं हम लोग, बिल्कुल, मतलब कि ये 3D8 हो गया। और अगर हम लोग देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे मेरे पास, 26 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 26 प्लस ये बाइडेंटेड लिगेंड है तो 2×4 26+8 34 हुए हमारे पास, ठीक है, 34 तो भैया EN फॉलो नहीं करेगा, हमें 36 चाहिए, तो सेकंड हो जाएगा। आगे हम लोग देखें Mn2CO होल 10, तो यहाँ पे क्या होता है, Mn के बीच में एक बॉन्ड होता है, इसको हम लोग 5 CO लगा दें, इस तरीके से नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाते हुए देख लेते हैं। यहाँ पे हर एक Mn जो है, Mn का कितना होगा,
25 होगा, ठीक है, प्लस एक ये मेटल मेटल बॉन्ड है तो उसका वन काउंट कर लेंगे हम लोग। हर एक जो CO है वो उसे कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, 2 × 5 कर लेंगे, कितना 2 × 5 कितना हो जाएगा अपने पास में, ये 36 हो जाएगा, और ट्वाइस करके भी कर सकते हो, डिवाइड बाई 2 कर देना तो 36 आ रहा है बिल्कुल। अगला मुझे दे रखा है फोर्थ वन, MnCO whole 5 - 1, MnCO का होल 5 है और उसके बाद चार्ज कितना है माइनस वन, सेम ऐसे ही हो जाएगा, 25 है माइनस वन चार्ज है प्लस 2 × 5, ये भी क्या हो रहा है मेरे पास 36 हो रहा है, तो ये भी EN फॉलो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, सेकंड वाला नहीं कर रहा भैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखें हम लोग, 16 में क्या बोल रहा है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट Cr+2 एंड Mn+3 इज, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, Cr+2 इज रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल Cr+2 जो होता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है अपने पास में। Mn+3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी ठीक बात है। बोथ Cr+2 एंड Mn+3 एग्जिबिट D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, बिल्कुल अगर Cr+2 देखे 3d5 4s1 होता है, Mn अगर हम लोग देखें तो 3d5 4s2 होता है, एक में से दो निकालो एक में से तीन निकालो, बिल्कुल D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आएगा, सही बात है। When Cr+2 इज यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट द क्रोमियम आयन अटेन्स D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, अगर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज कर रहे हैं तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो ये किस में जाएगा, ये जाएगा Cr+3 में जाएगा, और Cr+3 का ऑक्सीडेशन जो होगा वो क्या होगा भैया, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नॉर्मल क्रोमियम में 3d5 4s1 होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, क्या बचेगा तुम्हारे पास में, 3d3 बचेगा, ठीक है ना, तो ये गलत है, D5 नहीं होगा, ये क्या होगा, D3 होगा, तो फोर्थ वाला क्या हो गया आपके पास में, रॉन्ग हो गया। अब 16 के बाद में हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, इनकरेक्टली मैच्ड पूछा है हम लोगों से, तो बिल्कुल देख लेते हैं, सबसे पहले K3CO C2 whole 4, K3 दे रखा है हमें CO C2O4 का होल थ्राइस दे रखा है, इसमें सबसे पहले तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, ये क्या हो गया मेरे पास में, ये +3 हो गया, यहाँ पे X हो गया, और ये इसके ऊपर कितना चार्ज होता है अपने पास में, -2 चार्ज होता है, तो ये -6 हो गया = 0, x क्या आ गया मेरे पास में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है भैया, और C2O4 क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो ये मेरे पास में नीचे T2G है, ऊपर की तरफ कौन है मेरे पास में, EG है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग कैसे फिलअप करेंगे, हम लोग इसको फिलअप करेंगे यहाँ पे 1, 2, 3, मतलब CO+3 अगर है मेरे पास में, CO+3 है ना, तो CO+3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेरे पास में, 3d6 होगा, और 3d6 से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो कैसे करेंगे, 1, 2, 3, फिर 4, 5, 6, इस तरीके से हम लोग इसको फिल कर देंगे, तो बिल्कुल T2G6 Eg0, बिल्कुल करेक्ट है भैया। सेकंड क्या बोल रहा है हमें, NH2 का होल 4 CO F4, ये एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, और टेट्राहेड्रल बनेगा वीक फील्ड है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग, देखो इसमें सेकंड ऑप्शन NH4 का होल ट्वाइस COF4, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो CO के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, यहाँ पे +2 है, CO का कितना होगा, X होगा, ये -4 है = 0, X = +2 आ जाएगा, +2 आ जाएगा मतलब CO+2, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेरे पास में, 3d7 होंगे, 3d7 होंगे, और इसमें अगर हम लोग देखें तो नीचे की तरफ कौन होता है यहाँ पे, यहाँ पे नीचे की तरफ मेरे पास में Eg होता है, ऊपर की तरफ मेरे पास में T2G होता है, ठीक है, ऐसे रिवर्स बनाते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल के अंदर, तो यहाँ पे पहले वीक फील्ड लिगेंड है 1, 2, 3, 4, 5, फिर 6 और 7, तो Eg में कितना आ रहा है, Eg में 4 आ रहा है, और T2G में कितना आ रहा है भैया, 3 आ रहा है, तो ये गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। उसके बाद में थर्ड वाला देखो, CrEn का होल ट्वाइस Cl2Cl,
क्या दे रखा है हमें? सिस दे रखा है, सी आर ई एन का होल ट्वाइस दे रखा है, सी एल टू दे रखा है और यहाँ पे सी एल दे रखा है। पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, यहाँ पे सी आर पे कितना आएगा, सी आर का ऑक्सीडेशन प्लस थ्री आएगा, प्लस थ्री दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। ई एन क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अच्छा, प्लस थ्री के अंदर क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे हमारे पास में, 3d5 4s1 होता है तो 3d3 बच गए, कितने बच गए, 3d3 बच गए। तो ये तो नीचे t2g3 में ही जाएगा, केवल और केवल कौन सा फिल होगा, नीचे वाला t2g3 यही फिल होगा, ऊपर तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा हमारे पास में, ऊपर के लिए तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, 1 2 3 t2g3 eg0 ये बन जाएगा। उसके बाद में क्या दे रखा है हमें, MnH2O का होल 6 SO4, Mn दे रखा है, मतलब ये सही है, ठीक है ना, ये जो दे रखा है हमें बिल्कुल सही दे रखा है, MnH2O का होल 6 SO4। तो यहाँ पे Mn जो है, अगर फोर्थ वाला मैं देखूँ तो यहाँ पे MnH2O का होल 6 SO4 दे रखा है, यहाँ पे Mn+2 हो गया और Mn+2 है तो यहाँ पे कितना होगा, 3d5 होगा, ठीक है। और 3d5 क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है तो नीचे की तरफ क्या होंगे भैया, आपके पास में t2g है, ऊपर की तरफ जो eg होगा तो 1 2 3 4 5, t2g3 हो गया, eg2 हो गया, यही हमें दे रखा। तो मतलब इनकरेक्ट कौन सा हो गया, सेकंड वाला, क्यों हो गया, क्योंकि वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स था, वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो पहले eg फिल होगा उसके बाद में t2g में जाएगा, ठीक है। चले हम लोग आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर अब इंटीजर टाइप है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच कंपाउंड विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। देखो भैया आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट जो होता है वो हमारे पास में होता है, मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर होना चाहिए अपने पास में, CH3CO या फिर एल्कोहल में देखो तो CH3CHOH, ठीक है ना, कार्बोनिल में ये होना चाहिए, एल्कोहल में ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, अमाइड रिएक्शन नहीं देता, हेलोफॉर्म आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, बी वाला दे देगा क्योंकि इसमें CH3CO ये स्ट्रक्चर है तो बी वाला दे देगा, सी वाला एस्टर नहीं देता, नहीं भैया एस्टर नहीं देता, डी वाला एसिड क्लोराइड वो भी नहीं देता, ई वाला अगेन CH3CO है, इधर तुम कुछ भी लगाओ ये स्ट्रक्चर हम लोगों को चाहिए, तो कौन कौन देगा, बी देगा और ई देगा। तो यहाँ पे मेरे पास में दो आंसर आ जाएगा थर्ड का, कि दो कंपाउंड जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट हमें दे रहे हैं। नेक्स्ट लिखो हमारे पास में, नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट इज, पहला दे रखा है CCl3- इज मोर स्टेबल देन CF3-, बिल्कुल भैया CCl3- में बैक बॉन्डिंग होती है, पीपाई डीपाई बैक बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से वो CF3- से भी क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। साइक्लोपेंटाडाइईन एनायन ये हो गया और साइक्लोपेंटाडाइईन कैटायन ये हो गया, ये कैसा होता है, एरोमेटिक होता है, ये कैसा होता है, एंटी एरोमेटिक होता है, तो यही बोल रहा है बी स्टेटमेंट, बिल्कुल ये भी सही कह रहा है। इथाइलिन अमीन इज मोर बेसिक देन एडेनिन, बिल्कुल पढ़ते हैं, एलिफेटिक अमीन क्या होता है, एरोमेटिक अमीन से ज्यादा बेसिक होता है, तो ये भी सही है। डी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, CH3CH2 इज लेस स्टेबल देन CD3CH2, नहीं भैया हमें पता है कि CH3CH2 जो है यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन जब हम लोग देखते हैं तो किसका ज्यादा होता है, CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन CD3 से ज्यादा होता है, तो स्टेबल ज्यादा कौन सा है, CH3CH2, बट हमें क्या दे रखा है, लेस स्टेबल दे रखा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो करेक्ट स्टेटमेंट कितने हैं, केवल तीन है अपने पास में, ABC। लास्ट वाला देखो, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ MO इन द ऑक्सी कॉम्प्लेक्स स्पीसीज, MO का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों से पूछा है, MO का होल ट्वाइस दे रखा है हमें, O का होल 4 दे रखा है, ठीक है, O होल 4 दे रखा है, आगे C2H4 का होल ट्वाइस दे रखा है एंड H2O का होल ट्वाइस -2 दे रखा है। यहाँ पे मुझसे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है MO का, तो ये कितना हो गया, 2x हो गया, एक ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, तो 4 पे कितना हो गया -8, ये इसका न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, इज इक्वल्स टू -2, यहाँ पे 2x is equals to कितना आ जाएगा आप लोगों के पास में, +6 आ जाएगा, x is equals to +3, तो मतलब x का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो बेटा अपने पास में, +3 हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3, ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल, चलो एंजॉय। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम KC गुप्ता, टीम केमिस्ट्री, टीम CLC। अब हम पेपर का सॉल्यूशन कंटिन्यू करते हैं और फिजिकल केमिस्ट्री हम सोल्व करते हैं।
फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन है सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 17, 18, 19 और सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इफेक्ट द एडसॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन ए सॉलिड। निम्न में से किन कारकों से गैस का ठोस पर अधिशोषण प्रभावित होता है। तो अगर अधिशोषण की हम बात करें तो नंबर 1 इसमें ऑप्शन है क्रिटिकल टेम्परेचर TC। अब फिजिकल एडसॉर्प्शन में क्या होता है भाई, सॉलिड की सरफेस पे अगर गैस डिपॉजिट होगी तो फिजिकल में क्या होता है TC यानी क्रिटिकल टेम्परेचर के आसपास क्या होता है वांडरवाल फोर्स क्या होते हैं जनरली ज़्यादा वर्क करते हैं। और वांडरवाल फोर्स किस में होता है, फिजिकल एडसॉर्प्शन में होता है। देयर इज वांडरवाल वीक वांडरवाल फोर्स बिटवीन एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेंट, अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य दुर्बल वांडरवाल बल कार्य करता है, वो TC के आसपास मैक्सिमम होता है इसलिए वो ज़्यादा होता है। तो पहला फैक्टर यहाँ अफेक्ट कर रहा है तो 1B अफेक्ट कर रहा है। सेकेंड हम देखते हैं प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस की बात करें तो एक्चुअल में होता क्या है, सॉलिड है, ये सॉलिड हो गया और इसकी सरफेस पे गैस हो गई, सॉलिड प्लस गैस इससे क्या बनता है सॉलिड गैस, ठीक है। इट मीन्स क्या होगा, इसका मीनिंग क्या है, गैस डिपॉजिटेड एट द सरफेस ऑफ सॉलिड, गैस ठोस की सतह पर अधिशोषित हो चुकी है। तो अगर लीच चेटले प्रिंसिपल की बात करें तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर डाइवर्ट होगी, जिधर गैस के मोल कम होते हैं और गैस के मोल इधर ज़्यादा हैं, इधर गैस हम नहीं मानेंगे क्योंकि गैस डिपॉजिट हो चुकी है तो आगे जाएगी। मीन्स प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होता है एडसॉर्प्शन बढ़ता है, प्रेशर बढ़ाते हैं तो एडसॉर्प्शन बढ़ता है। और फ्रेंडलीच आइसोथर्म से भी इसको हम प्रूव कर सकते हैं कि क्या होता है x/m इक्वल टू क्या होता है kp रेस द पावर 1/n। एक्स क्या है, जितना x/m क्या है अमाउंट ऑफ एडसॉर्बेंट डिपॉजिटेड द पर यूनिट अमाउंट ऑफ एडसॉर्बेंट, आई बात समझ में, यानी प्रेशर बढ़ेगा तो अधिशोषण बढ़ेगा। थर्ड टेम्परेचर ऑफ गैस, ये जो रिएक्शन है अधिशोषण है एडसॉर्प्शन है, इसके लिए डेल्टा एस क्या होता है नेगेटिव, यानी उष्मा शेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो बात करें फिजिकल की तो फिजिकल में क्या होता है टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये कम होगा, केमिकल में क्या होता है रासायनिक अधिशोषण है, केमिकल में क्या होता है पहले बढ़ता है उसके बाद क्या होता है आफ्टर ए मैक्सिमम वैल्यू स्टार्ट टू डिक्रीज, कम होना स्टार्ट कर देता है। क्लियर, इट मीन्स आपका फैक्टर 1 जो TC प्रेशर तीनों अफेक्ट कर रहे हैं, इसका आंसर आएगा 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 में दिया हुआ था पार्टिकुलर रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एच A1 एंड A2 इनिशियल कंसंट्रेशन है, हाफ लाइफ T1 T2 है, ऑर्डर आपको निकालनी है। तो हमें पता है सिंपल सा रूप कि टी हाफ प्रोपोर्शनल होता है सी नोट इनिशियल कंसंट्रेशन रेस द पावर 1 - n, n क्या है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो देखो जैसे ही इसको रिमूव करने को कांस्टेंट आएगा तो देखो फर्स्ट के लिए क्या है हाफ लाइफ T1 है तो T1 है प्रोपोर्शनल और इनिशियल कंसंट्रेशन है A1, बिल्कुल A1 गिवन है, A1 की पावर ऑर्डर 1/n, T2 प्रोपोर्शनल A2 की पावर 1/n, 1 - n, ठीक है। अब इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दें या मान लो इसको रिमूव करके कांस्टेंट आएगा, जो कांस्टेंट यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा कैंसिल हो जाएगा, तो T1/T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा A1/A2 की पावर 1/n। क्लियर, अब ऑप्शन देखते हैं कि किस फॉर्म में आंसर आ रहा है, यहाँ से किस फॉर्म में n क्यों निकालनी है तो किस फॉर्म में आ रहा है, देखो ऑप्शन नंबर 1 में लॉग है, लॉग तीनों में, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दी, इट मीन्स हमें लॉग लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा लॉग लेना पड़ेगा और n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम यहाँ से क्या काम करते हैं T1/T2 इक्वल टू, देखो ध्यान देना बेटा इसको मैं लिख दूं क्या A2/A1 की पावर n-1, वही बात है भाई ये 1 इसका मैंने इन्वर्स कर दिया तो -1 आ जाएगा तो -1 + n हो जाएगा। अब हम लॉग ले लें तो क्या हो जाएगा बोलो, लॉग T1 है, लॉग T1/T2 इक्वल टू क्या होगा लॉग A2/A1 की पावर n-1। अब log x पावर n क्या होता है, n log x ये बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा log T1/T2 इक्वल टू n-1 log
ए टू अपॉन ए वन, क्लियर। अब यहाँ से एन माइनस वन इक्वल टू क्या हो गया, दिस अपॉन दिस, लोग टी वन अपॉन टी टू अपॉन लोग ए टू अपॉन ए वन, ठीक है। अब एन इक्वल टू हो जाएगा वन प्लस, तो क्या हो जाएगा एन इक्वल टू वन प्लस लोग टी वन अपॉन टी टू अपॉन लोग ए टू अपॉन ए वन। ऐसा ऑप्शन देखो इस फॉर्म में है क्या, वन प्लस से आपका फर्स्ट है टी टू बाई टी वन है और नीचे ए टू बाई ए वन नहीं, अपने आ रहा है टी वन बाई टी टू फर्स्ट नहीं है, सेकंड में वन ही नहीं किया, थर्ड में है वन प्लस लोग टी वन बाई टी टू लोग ए टू बाई ए वन, यानी आपका थर्ड ऑप्शन क्या होगा बेटा, करेक्ट होगा, क्लियर। अब बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर वन हो गया, क्वेश्चन नंबर टू हो गया, थ्री की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर थ्री पढ़ते हैं, क्या गिवन है। इफ द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर सेम द प्रेशर ऑफ ए गैस ओबेइंग वैन डर वाल इक्वेशन। अब वैन डर वाल इक्वेशन को ओबे कौन करता है, रियल गैस, वास्तविक गैस, और उसका प्रेशर क्या होगा, देखो ज्यादा होगा या कम होगा, तो ध्यान देते हैं आइडियल गैस में क्या मानते हैं, आइडियल गैस में देर इज नो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्स एक्ट बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ आइडियल गैस, बट रियल में ऐसा नहीं होता है, रियल में क्या होता है अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों वर्क करते हैं, ठीक है। अब बात करें प्रेशर की, तो गैस प्रेशर क्रिएट क्यों करती है, द पार्टिकल्स ऑफ गैस स्ट्राइक टू द वॉल ऑफ कंटेनर, दैट्स व्हाई गैस क्रिएट द प्रेशर, गैस के कण लगातार पार्टिकल की दीवार से टक्कर करते हैं, इस कारण दाब उत्पन्न होता है, बट रियल गैस में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, तो जो पार्टिकल टक्कर करेगा वॉल से तो बैक साइड के पार्टिकल क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, जितनी इफेक्टिवली वो कोलिजन करेगा उतना नहीं कर पाएगा, इट मीन्स प्रेशर क्या होगा, कम क्रिएट होगा, तो इट मीन्स रियल गैस का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कंपेयर टू आइडियल गैस, ठीक है। तो देखते हैं उसमें फर्स्ट क्या है, लेस देन रेट ऑफ आइडियल गैस, तो फर्स्ट ही आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। और ये प्रेशर क्वेश्चन कितना होता है, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, पढ़ते हैं इसको, ए क्या है यहाँ पे वैन डर वाल कॉन्स्टेंट है, एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, वी क्या है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के बाद हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 है, कंसिडर वाटर वेपर टू बी परफेक्ट गैस हैविंग मोलर एंथैल्पी चेंज फॉर वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, वाटर के वेपोराइजेशन क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 17 की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये थ्री मैंने एक्सप्लेन कर दिया, 17 की हम बात करें तो वेपोराइजेशन H2O लिक्विड कन्वर्ट इनटू H2O गैस, क्लियर। इसके लिए एंथैल्पी गिवन आपको डेल्टा एच गिवन है 41 यूनिट आपकी किलोजूल पर मोल, ठीक है। फाइंड द इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ वाटर इज वेपोराइज, इंटरनल एनर्जी और कंडीशन आपकी सेम है, तो देखो डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये होता है, तो यहाँ से डेल्टा ई क्या होगा, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एच की वैल्यू 41 गिवन है, डेल्टा एन जी क्या होता है गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट क्या है वन है, रिएक्टेंट में लिक्विड है, तो डेल्टा एन जी वन होगा, आर की वैल्यू ये किलो जूल में है तो जूल वाली वैल्यू पुट करेंगे, कितनी होती है बेटा 8.314, टेम्परेचर कितना गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर ऑलवेज किस में लेते हैं केल्विन में ही लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 373। अब ध्यान देना बेटा यहाँ जनरल मिस्टेक क्या होती है, ये किलो जूल में है और ये भी जूल में है, तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्लियर, यानी आपका 41 से कम लाना है, 41 से कम अप्रोक्सीमेट कम होना है, ठीक है। तो 41 से कम पॉजिटिव ऑप्शन देखो आप, 41 से कम आपका ऑप्शन है फर्स्ट है, सेकंड और थर्ड, सेकंड आ नहीं सकता, फोर्थ आ नहीं सकता, ठीक है बेटा, क्योंकि दोनों नेगेटिव में। अब बात करें फर्स्ट की और थर्ड की, तो देखो इसकी जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेट हम बात करें तो इसको हम अप्रोक्सीमेट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेट 4
3000 के आसपास, यानी 3 के अप्रोक्सीमेट ये माइनस होगा, यानी आपका हो जाएगा 38 से 39 के बीच में कोई वैल्यू रहेगी। तो ऑप्शन ऐसे 38 के आसपास 39 हो गया बेटा, ठीक है। इसको आप एग्जैक्टली सोल्व भी कर सकते हो मल्टीप्लाई डिवाइड करके, ठीक है। 41.1 तो बहुत कम है, ओके बेटा। तो आंसर क्या जाएगा इसका, 37.9, यानी आपका अप्रोक्सीमेट 38 के आसपास आ गया, क्लियर बेटा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 में क्या गिवन है, 18 में है इन ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन इक्विवेलेंट वेट ऑफ I2। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मोलर मास अपॉन चेंज इन ON पर मोलिक्यूल, चेंज इन ON पर मोलिक्यूल। अब I2 का मोलर मास कितना है, आयोडीन का होता है 127, ठीक है बेटा। और चेंज इन ON पर मोलिक्यूल, देखो ध्यान दो, प्रोडक्ट में I2 है, इधर बन रहा एक तो बन रहा IO3- और एक बन रहा I-। अब चेंज इन ON पर मोलिक्यूल, इसके वन मोलिक्यूल में कितना ON में चेंज आ रहा है, तो इसमें दो एटम है वन मोलिक्यूल में, तो वन एटम का जीरो, सेकंड का जीरो, यहाँ पे वन का कितना हो रहा है X-6 = -5 हो रहा है क्या, 2 का +10, तो यहाँ पे VF आ गया 10। सेकंड में क्या हो रहा है, -1 पर मोलिक्यूल, नहीं इसके अकॉर्डिंग देखेंगे ना, 2 एटम है तो 1 का -1 तो 2 का -2, यहाँ पे VF2 हो गया 2। अब इस केस में VF क्या होता है फाइनल, VF1 × VF2 / VF1 + VF2, ठीक है। ये जो रिएक्शन गिवन है वो क्या एक्चुअल में डिसप्रोपोर्शनेशन का अपोजिट, यानी कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैलेंस फैक्टर 10 × 2 / 10 + 12 = 12, कितना हो गया 2, 6, 5/3। तो आंसर क्या जाएगा, चेंज इन ON पर मोलिक्यूल कितना है, 5/3। ऐसा ऑप्शन है क्या कोई, 2 × 127 = 254 बेटा, मल्टीप्लाई कर लें इसको, तो 254 × 3/5, देखो बेटा 254 × 3/5 फर्स्ट ही गिवन है, तो आपका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट आ जाएगा बेटा, क्लियर। नेक्स्ट 17 हो गया बेटा, 18 के बाद है क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं बेटा। 19 देखो, एट 25 डिग्री सेल्सियस सेल पोटेंशियल आपको गिवन है, एक्स आपको फाइंड आउट करना है, तो नोट डाउन करें आप यहाँ तक। देखो यहाँ से जो आपको दिया हुआ है उससे हम पहले बनाते हैं इक्वेशन, तो क्या बनेगी, तो वो Mg+2 इसकी जो कंसंट्रेशन है वो है XM, इसका तो क्या हो रहा है ऑक्सीजन एनोड है, और Fe+2 से क्या बन रहा है, Fe सॉलिड रिडक्शन हो गया, तो ये कैथोड होगा, Fe+2 की कंसंट्रेशन है 0.1, क्लियर बेटा। ई सेल आपको गिवन है 1.92, एक्स निकालना है, तो क्या लगाना पड़ेगा, नेक्स्ट इक्वेशन क्या होता है, ई सेल इक्वल टू इनोड सेल माइनस 0.059 / n लोग कहेगा क्यू, और क्यू की बात कर तो लिख दूंगा अभी, मतलब Mg+2 की कंसंट्रेशन सॉलिड की है, सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है अपॉन इधर क्या आएगा, एक्टिव मास या कंसंट्रेशन ऑफ Fe+2। अब वैल्यू पुट कर दे बेटा, ई सेल की वैल्यू कितनी गिवन है 1.92, इनोड सेल क्या होता है SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, यानी SRP ऑफ कैथोड का वर्क कौन कर रहा है यहाँ पे, Fe - Mg। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इनोड में वैल्यू SRP की है या SOP की है, तो इनोड Mg से Mg+2 आपके पास क्या है बेटा, यहाँ लिखता हूँ बेटा E0 Mg2 Mg+2, इसकी वैल्यू गिवन है 2.37, इट मीन्स क्या है ON इंक्रीज, यानी किसकी वैल्यू है SOP है, तो SRP क्या होगा, जस्ट अपोजिट कर लो बेटा, क्या हो जाएगा -2.37, क्लियर।
इन द सेम वे देखो यहाँ देखो एफ ई टू एफ प्लस थ्री एस ओ पी है तो एफ ई ई नोट एफ ई प्लस टू एफ ई क्या हो जाएगा माइनस 0.44 ठीक है और ई नोट सेल क्या होता है एस आर क्यू ऑफ कैथोड माइनस एस आर क्यू ऑफ एनोड ठीक है तो कैथोड कौन सा इसके अंदर एफ ई है दिस इज कैथोड दिस इज एनोड तो ई नोट सेल आपका हो गया एस आर पी ऑफ कैथोड माइनस एस आर पी ऑफ एनोड क्लियर बेटा यानी माइनस 0.44 प्लस 2.37 इसको आप सोल्व करें 37 है 37 के बाद कितना बचेगा बेटा 7 तो प्लस का 1.93 आएगा बेटा ठीक है तो ये वैल्यू पुट करते हैं 1.93 माइनस 0.05 अपॉन एन क्या होता है नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग सेल रिएक्शन कितने वाले ट्रांसफर 0 टू प्लस 2 प्लस 2 0 एन आ गया 2 लोग कंसंट्रेशन ऑफ एम जी प्लस 2 कितनी है एक्स अपॉन क्लियर अब देखो यहाँ ऑप्शन में देखा जाए तो आपको पता है 0.01 से क्या रिलेशन है ज़्यादा है कम है ठीक है वैल्यू निकालनी नहीं है तो आप देखो ऑप्शन में अगर नज़र डाल लेंगे तो हमें टाइम बच जाएगा अपना ठीक है तो देखो अब ध्यान दो 1.92 माइनस 1.93 इक्वल टू क्या होगा माइनस 0.05 अपॉन 2 लोग एक्स अपॉन 0.01 यही होगा ये क्या आएगा नेगेटिव आएगा और यहाँ भी नेगेटिव है और नेगेटिव टू नेगेटिव कैंसिल ठीक है इट मीन लोग की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव और लोग की वैल्यू पॉजिटिव क्या आती है मोर देन वन की ही वैल्यू क्या आती है लोग वन की जीरो लोग मोर देन वन पॉजिटिव लोग लेस देन वन नेगेटिव इट मीन्स ये मोर देन वन है तो एक्स अपॉन 0.01 ग्रेटर देन वन होगा तो एक्स विल बी मोर देन 0.01 यानी ऐसा ऑप्शन है क्या बेटा थर्ड ऐसा थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा क्लियर बेटा 19 के बाद हम बात करेंगे सेक्शन डी में 102 की बात करेंगे बेटा सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 1 है द पीएच ऑफ ए बफर सॉल्यूशन डिक्रीज बाय 0.02 यूनिट पीएच में इतना चेंज हुआ है व्हेन 0.126 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू 250 ml ऑफ सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन में ऐड किया है ठीक है बफर कैपेसिटी निकालें तो बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा पीएच इट मीन्स कंसेंट्रेशन में चेंज यानी जो कंसेंट्रेशन में ऐड की है वो है यानी कंसेंट्रेशन बोले तो मोलैरिटी ठीक है जनरल और डेल्टा पीएच यानी चेंज इन पीएच तो देखो मोलैरिटी की बात करें तो नाइट्रिक एसिड का वेट दिया हुआ है तो क्या होती है मोलैरिटी वेट इन ग्राम अपॉन HNO3 का मोलर मास कितना होगा 1 + 14 + 48 कितना हो गया बेटा 53 हो गया अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 0.25 यानी 1/4 हो गया क्या वॉल्यूम लीटर में बात करें मोलरिटी में क्या होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम तो वैल्यू किसकी आ गई डेल्टा सी की अपॉन डेल्टा पीएच कितना चेंज हुआ 0.02 ठीक है अब बात करें इसका देखो 53 63 वापस लिखते हैं 1 + 14 + 48 कितना हो गया 58 63 आएगा बेटा ठीक है अगर हम इसको सोल्व करें आप तो देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे इसको लिखता हूँ 126 × 10⁻³⁻³ × 4 / 63 × 2 × 10⁻²⁺ कर दें बेटा इसको इसको मैंने क्या कर दिया -3 कर दिया क्लियर 63 × 2 126 को कैंसिल हो जाएगा ठीक है ये -1 हो जाएगा ठीक है यानी 0.4 आ गया अब दो क्वेश्चन पढ़ें बफर कैपेसिटी इसमें दे रखी है x/10 देन द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी तो x/10 की वैल्यू क्या आ गई 0.4 तो x क्या हो जाएगा बेटा 0.4 × 10 बोले तो 4 आंसर आ जाएगा क्लियर ठीक है अब बात करते हैं कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एट सेम टेम्परेचर पे दो क्वेश्चन अपने पास व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन जो गिवन है उसका निकालना है अब देखो दोनों रिएक्शन को ध्यान से देखें हम
तो फर्स्ट और सेकंड को अगर हम ऐड कर दें, क्योंकि CaCO3 फर्स्ट के रिएक्टेंट में है, कार्बन सेकंड रिएक्टेंट में है, तो ऐड करने से होगा CO2 कैंसिल हो जाएगा, उधर जाएगा CaO+2CO। अगर दोनों को ऐड कर दें तो रिएक्शन बन जाएगी, यानी जो दोनों रिएक्शन को ऐड करने से आपका जो जिसके लिए रिक्वायर्ड है वो इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब सिंपल था, रिएक्शन को जब ऐड करते हैं तो KC क्या होता है फाइनल, मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट KC क्या हो जाएगा, K1 × K2। फर्स्ट का कितना है 2 और सेकंड का कितना है 6, कितना आंसर आएगा बेटा 12। क्लियर बेटा, इसके साथ सॉल्यूशन फिनिश होता है। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, जय CLG। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आपका चल रहा है ऑनलाइन DTS फॉर JEE मेन चल रही है, इसमें आपका मैथ्स का सॉल्यूशन करेंगे अभी अपन। आज आपका ये मेजर सिक्स हुआ, इससे पहले आपके 5 मेजर हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी अपन इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं मैथ्स का। ठीक है, चलो कंप्लीट सिलेबस होता है आपको पता ही है मेजर में, है ना। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहा है कि इफ़ अ मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, अपने को ऑर्डर ऑफ ए क्या दिखा है 3, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 2, और कह रहा है बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स कितना आएगा। करें शुरू, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि कभी भी किसी मैट्रिक्स का आपको क्या करना है, एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो क्या होता है, ये होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। एन क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पे ऑर्डर कितना है 3, तो क्या हो जाएगा अपना एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताओ, ए इनवर्स का क्या 3-1 पावर, तो क्या हो जाएगा ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, कैसे ऐसे, तो क्या आ जाएगा कुल मिला के यहाँ पर, ये आ जाएगा आपका कितना है, ये 2 था ना डिटर्मिनेंट, 4 हो जाएगा सीधे, है ना, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे है ना, तो इसमें ये है मेन बात आपको ये समझाना चाहिए, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है आपका, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है ये, इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासिस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस x-1/3 इक्वल्स टू y-2/1 इक्वल्स टू z-3/2, एंड द लाइन x-3/1 इक्वल्स टू y-1/2 इक्वल्स टू z-2/3। अपने को इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है, और साथ में उस प्लेन की जो मैक्सिमम डिस्टेंस है 0.000 से क्या होनी चाहिए, मतलब डिस्टेंस क्या है मैक्सिमम होनी चाहिए किससे, 0.000 से। तो एक बात बताओ मेरे को आप, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो क्या करें अपन, एक को लैम्डा मान लेते हैं और एक को म्यू मान लेते हैं, और दोनों को सॉल्व करके लैम्डा म्यू निकाल लेते हैं, है ना, तो कॉमन पॉइंट आ जाएगा। तो इसका जनरल पॉइंट निकाला हमने इस लाइन पर, तो क्या आ रहा है वो एक्स इक्वल टू आ जाएगा, देखो मैं सीधे लिख दूँ xyz कॉमन पॉइंट क्या आ जाएगा 3λ+1, यहाँ से आएगा λ+2, यहाँ से आएगा 2λ+3। ओके, दिस इज द जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन। नाउ जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन विल बी वॉट, 1 × μ μ+3, वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2 × μ+1, जेड कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3μ+2। ओके, नाउ फॉर टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस क्या करें अपन, दीज पॉइंट्स मस्ट बी सेम, और ये पॉइंट सेम करने के लिए अपन क्या करें, दोनों के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को इक्वल कर लेते हैं, वहां से अपने को लैम्डा और म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो करते हैं फटाफट से जरा, 2μ कितना है ये 2μ+1, ठीक है, तो करो, तो इनको सॉल्व करोगे तो आपको लैम्डा म्यू कितना आ रहा है, देखो एक काम करें इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करके इसको और माइनस कर दो, है ना, माइनस, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0-5 इक्वल्स टू 3×2=6, यानी कि माइनस का 5μ और ये हो गया 0। तो कुल मिला के म्यू का वैल्यू आ रहा है आपका 1, म्यू का वैल्यू आई एम गेटिंग 1, इसका मतलब लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1+3 = 4, 4-1 = 3, 3/3 = 1, तो म्यू का वैल्यू 1 है और लैम्डा का वैल्यू भी 1 आ रहा है, तो लैम्डा और म्यू दोनों का वैल्यू 1-1 आ रहा है, इसका मतलब अपन क्या कर लें, एक काम कर लेते हैं, लैम्डा म्यू दोनों क्या रहा है 1-1 आ रहा है, तो लैम्डा और म्यू 1-1 आ रहा है, तो एक काम करते हैं अपन उस वैल्यू को
चेक कर लेते हैं पुट करके जेड कोऑर्डिनेट में, क्या सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ऐसा तो नहीं है कि लाइंस इंटरसेक्ट ही ना कर रही हों, ठीक है ना। तो लैम्डा की वैल्यू 1 रखोगे तो 5, और म्यू की वैल्यू 1 रखोगे तो ये भी अगेन 5। इसका मतलब क्या है, दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट दिस, और ये पॉइंट क्या आ रहा है चेक करो, लैम्डा म्यू की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू रख दो 1, क्या जाएगा 3+1 4, 2+1 3, एंड दिस इज 5। सो वी हैव गॉट वॉट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया मेरे को, अब देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने मान लिया P, कितना आ रहा है 4, 3, 5, और मेरे को कह रहा है O पॉइंट है वो है 0, 0, 0, यानी कि ओरिजिन, ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस मेरे को क्या चाहिए, प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो क्या करा जाए बताओ, एक बार बताओ, इस पॉइंट से पास हो रहा है प्लेन और OP के क्या है वो परपेंडिकुलर, तो ये अपने को क्या मिल गया एन वेक्टर, ठीक है ना। तो क्या निकाल लें अपन, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल लें, तो निकाल लोगे आराम से, क्या हो जाएगा x माइनस x1 प्लस y माइनस y1। चलो सीधे अपन क्या करते हैं पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। चलो देखो, ठीक है बताओ क्या लिखें, r माइनस, समझ में आ गई ना बात, यहाँ कोई जनरल वेक्टर मान लो आप r, तो क्या हो जाएगा r माइनस, यानी कि r वेक्टर डॉट op वेक्टर, क्या आना चाहिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए। तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे कर लेते हैं इसको, देखो r वेक्टर माइनस इसको a वेक्टर मान लेते हैं ना, r माइनस वेक्टर डॉट कौन सा वाला वेक्टर, op वेक्टर, क्या आना चाहिए 0। तो क्या हो जाएगा सीधे सीधे, यहाँ से मैं सीधे लिखना चाह रहा हूँ इसको, तो ये आ जाएगा आपका op वेक्टर, क्या आ रहा है आपका op वेक्टर आ जाएगा 4i+3j+5k, है ना, p माइनस o, तो क्या हो जाएगा 4i+3j+5k, डॉट प्रोडक्ट करना है किसे, r माइनस, तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 into i कैप प्लस y माइनस 3 into j कैप प्लस z माइनस 5 into k कैप, सही है। अब यहाँ से क्या आ गया अपना डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 4x+3y+5z, और देखो कांस्टेंट पार्ट क्या आ जाएगा आपका 16 - 9 - 25 = 0, तो ये आ रहा है आपका 4x+3y+5z। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन अपन निकाल ली, क्या आ रही है 4x+3y+5z = 50, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कह रहा है, ये ए वेक्टर इज अ वेक्टर विथ डायरेक्शन कोसाइन, मैं क्वेश्चन बोल दूं एक बार, क्या कह रहा है ये, ए वेक्टर इज अ वेक्टर विच विद डायरेक्शन कोसाइंस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, एक वेक्टर है आपके पास ए वेक्टर विद डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ठीक है ना। अब आपसे कह रहा है कि रेस्पेक्टिवली एज्यूमिंग वाई जेड प्लेन एज अ मिरर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द रिफ्लेक्टेड इमेज ऑफ ए वेक्टर इन द वाई जेड प्लेन, मैं समझा दूं क्वेश्चन आपको, एक वेक्टर है ए वेक्टर, इसका वाई जेड के अबाउट क्या है अपने को बताना है, रिफ्लेक्शन का, रिफ्लेक्शन जो आएगा उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे। तो एक बात बताओ मेरे को आप, ये मान लो बताऊँ मैं x, ये मान ली मैंने y और ये मान लिया मैंने z, है ना, जेड एक्सिस, तो वाई जेड प्लेन कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। अब ये मिरर की तरह वर्क कर रहा है, और कोई वेक्टर मान लेते हैं अपन हवा में, ये वाला है ना, तो एक वेक्टर मान लिया मैंने ये ऐसे ही है, ठीक है ना। तो इस वेक्टर का वाई जेड प्लेन में जब अपन रिफ्लेक्शन लेंगे तो क्या चेंज होगा, सिर्फ x के साथ अल्फा चेंज होगा, और वो अल्फा कितना होगा, पाई माइनस अल्फा होगा कि नहीं होगा, अल्फा का क्या बन जाएगा, पाई माइनस अल्फा, और बाकी से बाकी करेंगे सेम वाई और बीटा और गामा, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे नए वाले प्लेन के, नए वाले सॉरी रिफ्लेक्टेड इमेज के, है ना, रिफ्लेक्टेड इमेज के क्या बन जाएंगे, कॉस पाई माइनस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो कुल मिला के आ जाएगा माइनस का कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक है, ठीक है, एंगल विद एक्स एक्सिस चेंज होगा सिर्फ, है ना, क्या आएगा पाई माइनस अल्फा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, इजी था ये क्वेश्चन तो, है ना, काफी। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac, इफ बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac देन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax^4 + bx^2 + c = 0 are all real and distinct,
इस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, रियल और डिस्टिंक्ट हैं, तो बताना है आपको ए बी सी के साइन के बारे में क्या होंगे। तो एक बात बताओ मेरे को, एक्स स्क्वायर को मैं वाई मान लूँ तो क्या इक्वेशन बनेगी, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब देखो वाई के जो रूट्स आएंगे उनकी हेल्प से क्या निकालूंगा मैं, एक्स के सॉल्यूशन, एक्स के रूट्स, है ना, मतलब इस एक्स की वैल्यूज निकालनी है आपको, तो उसके लिए पहले मेरे को वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और मैंने वाई किसको माना है, एक्स स्क्वायर को, इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा या नॉन जीरो आएगा, मतलब जीरो आएगा या पॉजिटिव आएगा, यानी कि नॉन नेगेटिव आएगा। तो एक्स स्क्वायर यदि नॉन नेगेटिव है, इसका मतलब वाई भी क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव, और नॉन नेगेटिव में भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि जीरो हो जाएंगे तो सारे रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल हो जाएंगे, दैट इज जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो वाई की वैल्यू आनी चाहिए दैट शुड बी पॉजिटिव, है ना, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कैसे आने चाहिए, पॉजिटिव आने चाहिए। इसका मतलब इसका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, तो कही रखा है उसने। खैर अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इसके दोनों रूट्स जो आने चाहिए, मान लो वो आ रहे हैं अल्फा बीटा, तो वो कैसे आने चाहिए आपको पता है, बोथ मस्ट बी पॉजिटिव, तभी उनका स्क्वायर रूट लेंगे तो अपने को प्लस माइनस और प्लस माइनस दो वैल्यूज मिलेंगी। आ रही मेरी बात समझ में, तो यहाँ से बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, दोनों रूट पॉजिटिव होने चाहिए, इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए और दोनों का सम भी पॉजिटिव होना चाहिए। सही बात है, दो रूट यदि पॉजिटिव है तो दोनों का सम भी पॉजिटिव और दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव। दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, सी अपोन ए ग्रेटर देन जीरो हो गया, दोनों का सम क्या होगा, माइनस बी अपोन ए पॉजिटिव हो गया, तो बी अपोन ए क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, क्यों, क्योंकि मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक बात बताओ सोच के कि बी अपोन ए लेस देन जीरो है और सी अपोन ए ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बी एंड ए आर ऑफ अपोजिट साइन, बी और ए कैसे होने चाहिए, अपोजिट साइन के, और सी और ए क्या होना चाहिए, सेम साइन के। इसका मतलब ये हो गया कि ए और सी यदि सेम साइन के हैं तो ए ग्रेटर देन जीरो है तो सी भी ग्रेटर देन जीरो होगा, बट बी एंड ए आर ऑफ अपोजिट साइन, इसका मतलब बी क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, या तो ये केस बनेगा या फिर केस क्या बनेगा, ए और सी दोनों सेम साइन के हैं और बी कैसा है, अपोजिट साइन का, या फिर ये केस बनेगा। आ रही मेरी बात समझ में, अब इसमें और कुछ कह रहा है क्या, ए और सी सेम साइन के हैं तो उससे तो कुछ मिलेगा नहीं, चलो कोई बात नहीं, तो कुल मिला के क्या यहीं से देख लेते हैं अपन, है ना, ए और सी दोनों क्या है, सेम साइन के, यानी कि ए लेस देन जीरो, बी लेस देन, ए ग्रेटर देन जीरो, सी ग्रेटर देन जीरो, तो बी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, है ना, ए ग्रेटर देन जीरो, सी ग्रेटर देन जीरो, बट बी लेस देन जीरो, है ना। आगे चलें क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे सोचा करो, है ना, रूट्स के थ्रू। देखो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, क्या कह रहा है ये, फाइंड दी सम अप टू एन टर्म्स ऑफ दी सीरीज दिस, सीरीज क्या दे रखी है अपने को, थ्री अपॉन वन इंटू टू इंटू वन अपॉन टू प्लस फोर अपॉन टू इंटू थ्री इंटू वन अपॉन टू का स्क्वायर प्लस फाइव अपॉन थ्री इंटू फोर इंटू वन अपॉन टू का क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, अपने को क्या करना है, इसका सम करना है। ठीक है, सम कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, आप आपको सम करना है इसका कहाँ तक, लेकिन अप टू ओनली एंड टर्म्स, कहाँ तक, एंड टर्म्स तक का सम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट nth टर्म। अब nth टर्म कैसे निकालते हैं, याद है आपको, कुछ भी नहीं करना होता अपने को, ये देखना होता है कि जो सीरीज है वो कैसे बन रही है ना। तो आप न्यूमरेटर को देखो पहले, आप यहाँ थ्री आ रहा है, यहाँ फोर आ रहा है, यहाँ फाइव आ रहा है, तो हर एक टर्म में क्या हो रहा है, एक बढ़ता जा रहा है, यानी कि सिंपली क्या हो रहा है, जैसे जैसे अपन वैल्यू पुट कर रहे हैं, यानी कि एन की वैल्यू यहाँ पर ऊपर क्या है, थ्री फोर फाइव, यानी क्या हो गया, ऊपर तो क्या क्या, सिंपली एन, सही है, और नीचे क्या आ रहा है, यहाँ तो वन है तो कोई टेंशन नहीं है, वन इंटू टू, टू इंटू थ्री, थ्री इंटू फोर, यानी कि आपस में नंबर्स क्या है, कॉन्जिक्यूटिव लगातार हैं, तो एक एन है तो दूसरा क्या है, एन प्लस वन। आगे चलो, वन अपॉन में टू, वन अपॉन में टू स्क्वायर, वन अपॉन में टू क्यूब, तो ये आ गया वन अपॉन टू की पावर एन, गलत तो नहीं बोला मैंने, एन के लिए आप वन रखोगे तो पहला टर्म मिल जाएगा, एन के लिए टू रखोगे तो दूसरा टर्म, ठीक है ना। अब इसका सिग्मा कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ऐसे ना जाएगा इससे, सम ऑफ एन टर्म्स, एन के लिए क्या है, वन से लेकर एन तक, तो सिग्मा टी एन कर लो, सही है ना, टी एन में एन के लिए वन रखोगे तो पहला, दूर टू रखोगे दूसरा, है ना, तो क्या हो गया बताओ, सिग्मा एन अपॉन एन इंटू एन प्लस वन इंटू वन अपॉन टू की पावर एन, और एन के लिए कहाँ से कहाँ तक है, वन से लेकर एन तक, करो इसको सॉल्व थोड़ा सा और, यहीं कर लें इसको सॉल्व थोड़ा सा और, इसको लिख लेते हैं अपन, देखो इसमें दो बार करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, है ना, ओहो ये क्या हो गया, एन थ्री फोर फाइव, एन प्लस टू आएगा ना, चेक कर लो उसको, आराम चेक कर लेना, कभी गलती नहीं होनी चाहिए ना, एन की वैल्यू मैं वन रखूँगा यहाँ पर, तो वन रखते ही क्या आएगा, यहाँ पर वन आ रहा है वन अपॉन में, तो गलत हो गया ना, थ्री आना चाहिए पहला टर्म, इसलिए इसलिए दिमाग में आ गया क्या, कि एन प्लस टू होगा ऊपर, है ना, तो एन प्लस टू का मतलब हो गया वन प्लस टू थ्री आ गया, नीचे वन इंटू टू आ जाएगा और यहाँ पर टू की पावर वन आ जाएगा, सही लिखा है मैंने एकदम बिल्कुल क्लियर। आगे चलें तो देखो, अब इसको ब्रेक कर लो आप, एन प्लस वन में, तो एन प्लस वन लिख लोगे तो नीचे क्या है, एन इंटू एन प्लस वन, और वन अपॉन में टू की पावर एन चल रहा है एज इट इज। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और,
सिग्मा एन इक्वल टू वन से लेकर कहाँ तक, एन तक। अब इसको अलग अलग करोगे किसके नीचे, डिनोमिनेटर को, है ना, दोनों के नीचे अलग अलग करोगे तो वन अपॉन में एन बचेगा और वन अपॉन में एन इंटू एन प्लस वन बचेगा, ठीक है ना, ये आ गया। इसको आप एक स्टेप में भी कर सकते हो, उसके लिए मेरे को समझाना ज़्यादा पड़ता है ना, समझाना कम पड़ा अभी, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए आराम से आप लोग, है ना। अब बताओ सिग्मा एन की वैल्यू वन से लेकर कहाँ तक, एन तक। अब इस वाले को फिर से ब्रेक कर लो, जो वन है ना ऊपर उसको लिख सकते हो आप एन प्लस वन माइनस एन, तो ये हो जाएगा वन अपॉन एन प्लस एन प्लस वन माइनस वन माइनस एन, तो नीचे क्या हो जाएगा एन इंटू, ये आ गया, ठीक है। आगे चलें, फिर से अलग अलग कर दो, अब तो क्लियर हो गया होगा, दिख गया होगा, है ना, इसके नीचे इसको करेंगे अलग तो वन अपॉन एन बचेगा, तो वन अपॉन एन और वन अपॉन एन कितना हो गया टू अपॉन एन, माइनस एन से एन कट जाएगा तो वन अपॉन एन प्लस वन बचेगा, और बाहर कौन बैठा हुआ है वन अपॉन टू की पावर एन। और चलो आगे, सिग्मा एन इक्वल टू वन से लेकर एन तक। अब इस वन अपॉन टू की पावर एन को मल्टीप्लाई कर दो दोनों से अलग अलग, तो देखो टू की पावर वन ऊपर है, यहाँ टू की पावर एन है, तो क्या बचेगा टू की पावर एन माइनस वन बचेगी नीचे, और इन टू में क्या चल रहा है एन, माइनस यहाँ पे क्या आएगा एन प्लस वन इंटू टू की पावर एन। आ गया समझ में, अब कुछ नहीं करना आपको, सॉल्व करना है। देखो एन की वैल्यू अब वन टू थ्री फोर रख दो इसमें, तो जब वन रखोगे तो क्या आएगा, ये एस एन चल रहा है आपका, ठीक है ना, एस एन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वन अपॉन वन इंटू टू की पावर जीरो माइनस वन अपॉन, रखो वन इसमें तो टू इंटू टू की पावर वन, अगला टू रखो तो टू रखोगे तो क्या आएगा टू इंटू टू की पावर वन माइनस वन अपॉन थ्री इंटू टू की पावर टू आएगी, सही है ना। अब तो सिमेट्री बन गई, कर लोगे आराम से, यहीं रख देता हूँ, यहीं रख देता हूँ, वन अपॉन थ्री इंटू टू की पावर टू माइनस वन अपॉन फोर इंटू टू की पावर थ्री। अब कौन कैंसिल आउट हो रहा है, देखो ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, ये वाला अपने नीचे वाले से हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। अब सीरीज में कैंसिलेशन होता है तो क्या होता है, पहला टर्म बच रहा है इसका मतलब कौन सा टर्म बचेगा बाद में, लास्ट टर्म, और सेकंड टर्म बच रहा होता तो कौन सा बचता है लास्ट में, सेकंड लास्ट टर्म, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा टर्म बच गया इसमें, पहला वाला, तो पहला बचा है, पहला क्या टर्म है वन ही हो जाएगा ये, तो लास्ट में क्या बचेगा माइनस का लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म, यही बचेगा सेम, तो वन अपॉन में क्या हो गया एन प्लस वन इंटू टू की पावर एन। आगे बात समझ में, तो क्या आ गया आपका आंसर, ये आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही है देख लो, जो भी है सेकंड ऑप्शन सही है, सेकंड नहीं एन प्लस वन है ना, थर्ड ऑप्शन सही है इसका। चलो आगे, फिफ्थ हो गया क्वेश्चन नंबर, फिफ्थ के बाद है सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स में देखो क्या कह रहा है, दी सम ऑफ दी सीरीज, सम ऑफ दी सीरीज निकालनी है आपको, ठीक है, क्या सीरीज है देखो, टेन इनवर्स टू अपॉन वन माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन की पावर फोर प्लस टेन इनवर्स फोर अपॉन वन माइनस टू स्क्वायर प्लस टू की पावर फोर, एक टर्म और लिख लेते हैं, सिक्स अपॉन वन माइनस थ्री स्क्वायर प्लस थ्री की पावर फोर एंड सो ऑन। कहाँ तक है ये, इन्फिनिट तक है क्या, बिल्कुल इन्फिनिट तक जाना है इसमें आपको सीरीज का सम करने के लिए, है ना। चलो देखो, तो अब आपको इन्फिनिट टर्म का सम करना है ना, इन्फिनिट टर्म्स का सम करना है, तो वही तरीका, पहले क्या निकाल लें इसका, एक तरीके से एनए टर्म निकाल लें, तो देखो क्या करेंगे अपन, पहले ही बताओ इसका जनरल टर्म क्या रहा होगा, है ना, जनरल टर्म मान लिया मैंने टी आर, तो क्या रहा होगा टेन इनवर्स टू फोर सिक्स, न्यूमरेटर में क्या रहा है टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, आगे आएगा टू फोर जा एट, यानी कि क्या बन गया वो टू आर, और नीचे देखो तो क्या हो रहा है, ये वन का स्क्वायर टू का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर, और प्लस में क्या है आर की पावर फोर, ये है आपका इसका जनरल टर्म, ठीक है। अब आप इसका क्या कर लो, थोड़ा सा मजा डाल दो इसमें, मजा क्या डाल दो, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टू आर अपॉन में वन माइनस या प्लस ले लेते हैं और इसको लिखते हैं आर की पावर फोर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब आपको मज़ा आ जाएगा, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ बड़े प्यार से, वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर स्क्वायर माइनस आर लिख सकते हैं। अब देखो ऊपर वाला जो टू आर है उसको अपन लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ दीज टू टर्म्स, है ना, कैसे, आर स्क्वायर प्लस आर माइनस आर स्क्वायर माइनस आर, और नीचे आ जाएगा वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर स्क्वायर माइनस आर, ठीक है। अब देखो ये आ गया आपका क्या, टी आर आ गया, जनरल टर्म आ गया ना। अब इसको थोड़ा सा क्या कर लो आप, समझो क्या लिखा हुआ है, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, तो इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस आर माइनस
टेन इनवर्स आर स्क्वायर माइनस आर। अब मैंने एक काम ना अब करूंगा, है ना, पहले नहीं किया ये वाला काम, मैं अब करूंगा। क्या काम करूंगा, ध्यान से देखो आप, जब आर की वैल्यू वन रख रहे हो तो पहला टर्म मिल रहा है, टू रख रहे हो तो सेकंड, और थ्री रख रहे हो तो थर्ड। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, इसका जो जनरल टर्म है वो मुझे क्या दे रहा है, एन एथ टर्म दे रखा है, यानी कि एन एथ टर्म मतलब जनरल टर्म दे रखा है, दे रहा है ना। तो इसको अपन जनरली क्या कह सकते हैं, इन जनरल अपन कह सकते हैं इसको कि सिग्मा कर दूं मैं आर की वैल्यू वन से लेकर कहाँ तक, एन तक, तो सम ऑफ एन टर्म्स मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा मेरे को, टेन इनवर्स किसका, आर स्क्वायर प्लस आर माइनस टेन इनवर्स आर स्क्वायर माइनस आर का। क्या कर दूं मैं, सिग्मा लगा दूं वन से लेकर एन तक, तो क्या मिल जाएगा मेरे को, एस एन मिल जाएगा, बट वी हैव टू फाइंड आउट एस इन्फाइनेट। तो क्या हो जाएगा, इन्फाइनेट टर्म्स का सम कैसे निकालोगे आप, लिमिट ले रहे हैं एन किसको टेंड कर रहा है, इन्फाइनेट को, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू वन से लेकर एन, और ये हो जाएगा टेन इनवर्स, इसको आर कॉमन ले लो, आर कॉमन ले लो, स्टेप बचा लेते अपन एक दो, है ना, आर इंटू आर माइनस वन, ये आ गया, आर कॉमन ले लिया, और उसको मैंने क्या कर दिया, इन्फाइनेट टर्म्स का सम ले लिया, ठीक है ना। ये निकालना था अपने को एस इन्फाइनेट, तो क्या हो जाएगा बताओ, लिमिट एन टेंडिंग तो क्या है, इन्फाइनेट है, और इसमें आप रख दो एन की वैल्यू वन, आर की वैल्यू वन से लेकर एन तक, तो बताओ क्या आएगा, पहला टर्म आएगा टेन इनवर्स वन इंटू टू माइनस टेन इनवर्स वन इंटू जीरो, अगला टर्म क्या आएगा, टेन इनवर्स टू इंटू थ्री माइनस टेन इनवर्स टू इंटू वन, अगला टर्म क्या आएगा, टेन इनवर्स थ्री इंटू फोर माइनस टेन इनवर्स थ्री इंटू टू, एंड सो ऑन, और लास्ट में क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स आर इंटू आर माइनस वन, या एन ले लेते हैं ना, लास्ट टर्म क्या है, एन एथ, है ना, एन इंटू एन माइनस वन, और यहाँ पे आएगा टेन इनवर्स एन इंटू एन प्लस वन। समझ में आ रही होगी बात, है ना, आराम से आ रही होगी। अब ये आ गए इन सबका सम, ये क्या आ गया, सिग्मा आ गया। अब बताओ कौन से टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं, पहला कैंसिल हो गया इससे, दूसरा इससे, तीसरा इससे, यानी कि क्या हो गया, पहला टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, इसका मतलब लास्ट वाला कैंसिल हो जाएगा, सेकंड बच रहा है तो सेकंड लास्ट बचेगा सिर्फ, तो बताओ क्या आ गया इसका सम, ये आ जाएगा एस इन्फाइनेट इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फाइनेट, और अंदर हमारा फंक्शन है टेन इनवर्स एन इंटू एन प्लस वन माइनस टेन इनवर्स जीरो, सही है। अब इन्फाइनेट को टेंड कर रहा है एन, तो एन जब इन्फाइनेट को टेंड करेगा तो टेन इनवर्स इन्फाइनेट क्या होगा, पाई बाई टू, और जीरो पे तो क्या होती है, वैल्यू जीरो होती है, तो इसका आंसर क्या आएगा, पाई बाई टू आएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, सेवेंथ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, लेट सी वन एंड सी टू आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस वन एंड एट बाई थ्री रेस्पेक्टिवली हैविंग सेंटर एट थ्री कॉमा जीरो। ओके, दो सर्कल हैं कॉन्सेंट्रिक हैं, सी वन और सी टू, है ना, दो सर्कल हैं कॉन्सेंट्रिक हैं, सी वन एंड सी टू, एक का रेडियस वन है और दूसरे का रेडियस एट अपॉन थ्री है, और कह रहा है सेंटर एट थ्री कॉमा जीरो, और ये कैसे हैं, आर्गंट प्लेन में, है ना, आर्गंट प्लेन में ये, तो ये बताओ, मैं एक तरीके से ये कह सकता हूँ कि जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं उसका सेंटर क्या हो गया, थ्री कॉमा जीरो, है ना, और ये किस में, आर्गंट प्लेन में, और रेडियस कितनी है अपनी, वन और एट बाई थ्री। अब आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे कि यदि इफ़ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सेटिस्फाइज द इनइक्वलिटी दिस लॉग ऑफ जेड माइनस थ्री, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड माइनस थ्री का स्क्वायर के मोड का स्क्वायर माइनस प्लस टू प्लस टू अपॉन में इलेवन मॉड ऑफ जेड माइनस थ्री प्लस थ्री है क्या, नहीं टू है, माइनस टू, ग्रेटर देन क्या है ये, जीरो, जीरो है, वन वन कह रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो बताओ जेड कहाँ लाई करेगा, सी वन और सी टू के इन बिटवीन करेगा या दोनों के बाहर करेगा या दोनों के अंदर करेगा, कर लेते हैं, पहले तो क्या कर लें अपन, इनइक्वलिटी को सॉल्व कर लें। तो आप देखो यहाँ पे जेड माइनस थ्री का मोड क्या स्क्वायर है, और यहाँ पे सिंपल इलेवन जेड माइनस थ्री है, तो एक काम करें अपन, लेट कर लो आप एक मिनट के लिए ना, मोड ऑफ जेड माइनस थ्री को आप लेट कर लो वाई, तो आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है आपको, लॉग ऑफ वाई स्क्वायर प्लस टू अपॉन में इलेवन वाई माइनस टू, ये दिखाई दे रहा है, ये ग्रेटर देन वन है, तो इनइक्वलिटी नजर आ रही है, लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी, इसका बेस क्या है, वन से छोटा है, और जब बेस वन से छोटा होता है तो क्या होता है, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा, लेस देन, तो लेस देन क्या हो गया, वन अपॉन थ्री की पावर वन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ वाई स्क्वायर प्लस टू अपॉन में 11y माइनस टू। अब आपको पता है, यहीं की एक और काम कर लेते हैं कि लॉग के अंदर वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन क्या कर दिया इसको, जीरो, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो अब आराम से, क्या हो जाएगा ये देखो,
इनको आप सॉल्व कर लो, क्या करें सॉल्व करने के लिए, अपन नॉर्मल करते हैं सॉल्व ना, चलो वाई स्क्वायर प्लस टू अपॉन में 11 माइनस 2 ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो वाई स्क्वायर प्लस 2 तो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो क्या बचा, सिर्फ 11y माइनस 2 बचा, तो 11y माइनस 2 बचा, तो y ग्रेटर देन क्या आ गया, 2 अपॉन 11 आ गया, y ग्रेटर देन क्या आ गया, 2 अपॉन 11। और चलो आगे, और चलो आगे, अब इसमें नहीं, इसमें क्या हो जाएगा देखो आप, तो इसमें आ जाएगा आपका ठीक है, तो इसमें तो ये आ गया, और यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है आपका मेरे ख्याल से 1 एंड यहीं कर लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में 11y माइनस 2 माइनस का 1 अपॉन 3 लेस देन 0, तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3y स्क्वायर प्लस 6 माइनस 11y प्लस 2 अपॉन में 11y माइनस 2 लेस देन 0, तो ये आ गया आपका 3y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 8 अपॉन में 11y माइनस 2 लेस देन 0, तो कुल मिला के ये आ रहा है आपका 3 8 24। ओके, तो ये आ गया 3y माइनस 8 कॉमन आ जाएगा वहाँ से, और तो वहाँ क्या बचेगा, y माइनस 1 बचेगा क्या, बिल्कुल 8 11 3 सही है, और नीचे आ जाएगा 11y माइनस 2 लेस देन 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 अपॉन 11 8 अपॉन 3 प्लस माइनस, यानी कि एक तो आएगा 8 अपॉन 3 से पहले कहाँ तक, 2 अपॉन 11 1 तक आ जाएगा यूनियन, इधर क्या आ जाएगा, सबसे छोटा कौन है, 2 अपॉन 11 है ना, तो 2 अपॉन 11 से कहाँ तक, 1 तक, सही है, सही है ना, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लो आप इसको, आप एक तो आ जाएगा 2 अपॉन 11, एक आ जाएगा अपना 1, और एक आ जाएगा 8 अपॉन 3 प्लस माइनस, तो कुल मिला के अपने को क्या लेना है, लेस देन 0, तो क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिट से 2 अपॉन 11 और यूनियन 1 से 8 अपॉन 3, ठीक है, अब कर लो फटाफट से, ये किस, ये कौन है, ये वाई आया है ये अभी, है ना, ये कौन आया, वाई, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, वाई ग्रेटर देन 2 अपॉन 11 है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, ये 1 से 8y3 और 2 अपॉन 11 से छोटा आ रहा है, तो एक बात बताओ मेरे को, इसका कंप्लीट आंसर क्या बनेगा आपका, इसका आंसर ये बनेगा, नहीं बनेगा, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो 1 से कहाँ तक, 8 अपॉन 3 तक, यानी कि मॉड ऑफ जेड माइनस 3 जो था वो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 8 अपॉन 3 आ रहा है, ठीक है, आ गया समझ में आप, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये वो सर्कल जिसका सेंटर क्या है इसका 3,0, सेंटर क्या आ रहा है इसका आर्गन प्लेन पे 3,0, और रेडियस क्या आ रहा है इसका 1 से बड़ा बट 8/3 से छोटा, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, इन दोनों के इन बिटवीन हो जाएगा कौन, जेड, ठीक है, चलो आगे, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8th, देखो क्या करेंगे, ये कह रहा है आपसे, इफ आई इक्वल है 0 से 1 2 की पावर एक्स क्यूब डी एक्स, आई टू इक्वल है आपका 0 से 1 2 की पावर एक्स पावर 4 डी एक्स, आई थ्री आपका 1 से 2 2 की पावर एक्स क्यूब डी एक्स, एंड द लास्ट वन आई फोर इक्वल है 1 से 2 2 की पावर एक्स पावर 4 डी एक्स, तो बताना है कि आपको आई वन आई टू आई थ्री आई फोर में रिलेशन क्या होगा, तो एक काम करें देखो आप, सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ इसमें, एक मिनट रुको जरा, आई वन आई टू ओके, अपने को सब में रिलेशन बताना है क्या होगा, है ना, पहली बात तो ये बताओ मेरे को कि आपको इसमें जो लिमिट दे रखी है वो क्या दे रखी है, एक तो दे रखी है 0 से 1 और एक दे रखी है अपने को 1 से 2, तो ऐसे कंपेयर हो जाएगा डायरेक्ट, कैसे देखो आपको पता है, ये आपको पता होना चाहिए, एक की पावर एक्स में बेस यदि 1 से छोटा है ऑब्वियसली पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, तो बेस यदि 1 से छोटा है और पावर बढ़ रही है तो वैल्यू कम होती चली जाएगी, और बेस यदि 1 से बड़ा है और पावर बढ़ रही है तो वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, चलो आ जाओ अब ये बताओ 0 से 1 के बीच में एक्स क्यूब बड़ा होगा या एक्स की पावर 4, एक्स क्यूब बड़ा होगा सीधी सी बात है, क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है 0 से 1 के बीच में, तो पावर जितनी बड़ी होगी वैल्यू उतनी छोटी होती चली जाएगी, ठीक है ना, पावर इन्फिनिट हो जाएगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंडिंग टू 0 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि बेस क्या है 1 से छोटा है 0 से बड़ा है 0 से 1 के बीच में, ठीक है ना, अब अच्छा ये बताओ यही मैं 2 की पावर में लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर में एक्स क्यूब ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 2 की पावर एक्स की पावर 4, सही है ना, 2 तो क्या है बेस, तो क्या है 1 से बड़ा है ना, बेस 1 से बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बेस यदि 1 से छोटा होता तब ये इनइक्वालिटी का साइन फिर से मेरे को चेंज करना पड़ता, ठीक है, यहाँ आ जाओ
यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, वन से टू में होगा एक्स क्यूब, और एक्स की पावर फोर में कौन बड़ा होगा, एक्स की पावर फोर बड़ा होगा, और टू की पावर एक्स स्क्वायर लेस देन क्या होगा, टू की पावर एक्स टू द पावर फोर, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब इसकी आप लिमिट लगा लो, तो ये किसकी वैल्यू थी, टू की पावर एक्स क्यूब, यानी कि क्या हो गया, टू की पावर एक्स क्यूब बड़ा है टू की पावर एक्स फोर से, इसका मतलब आई वन इज ग्रेटर देन आई टू, और यहाँ पर क्या रिलेशन आ रहा है इन दोनों में, टू की पावर एक्स क्यूब छोटा है टू की पावर एक्स फोर से, यानी कि आई थ्री इज लेस देन आई फोर, इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन देख लें, चेक कर लें अपन एक बार ऑप्शन, एंड ऑप्शन आर आई फोर इज ग्रेटर देन आई थ्री, आई वन इज ग्रेटर देन आई टू, यस आई वन इज ग्रेटर देन आई टू, एंड आई थ्री इज ग्रेटर देन लेस देन आई फोर, ठीक है ना। मैंने फोर्थ ऑप्शन क्यों देखा, क्योंकि दोनों उसमें दोनों दे रखे थे पहली बार में, है ना, तो इसलिए सीधे वही चेक कर लिया। और तो क्या है, आई टू इज ग्रेटर देन आई वन गलत है, आई थ्री इज ग्रेटर देन आई फोर गलत है, आई वन इज इक्वल टू आई टू गलत है ना, तो इसका ऑप्शन सही कौन सा है, लास्ट वाला फोर्थ। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया था, ये एट्थ हो गया था, नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन देखो क्या कह रहा है, एरिया एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर एट एक्स एंड द लाइन टू वाई बराबर एक्स, एरिया निकालना है एरिया एनक्लोज्ड, देखो कैसे करेंगे, सिंपल है क्वेश्चन है ना एकदम, वाई स्क्वायर इक्वल टू एट एक्स पैराबोला ले लिया, वाई इक्वल टू एक्स अपॉन टू ये लाइन रही होगी, ठीक है ना। तो एक काम करो, वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, है ना, तो y इक्वल टू एक्स अपॉन टू इसमें आप रख दो, है ना, तो इन दोनों की हेल्प से क्या मिल रहा है अपने को, x अपॉन टू का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, 8x के, तो x स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस 8x इक्वल टू जीरो, तो एक तो x की वैल्यू जीरो आएगी इसमें से, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, 8 चौक 32 32, एक तो आ जाएगी जीरो और एक आ जाएगी 32, ठीक है ना। तो एक तो जीरो यहाँ पर आ रही है, जीरो जीरो आ रहा है, और यहाँ आ रहा है एक 32 कॉमा, वाई की वैल्यू क्या आएगी, जो भी आए, है ना, जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को उसकी, है ना, तो मैं बता देता हूँ क्यों, क्योंकि अपने को ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो देखो इस वाले एरिया को निकालने के लिए क्या होगा, अपने को ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो अपने ने क्या किया ना, एक वर्टिकल स्ट्रिप ले ली, कौन सी ले ली, वर्टिकल स्ट्रिप ऐसे, तो इस स्ट्रिप को मैं कैसे घुमाऊंगा ऐसे, तो कहाँ से कहाँ तक जा रही है मेरी स्ट्रिप, कहाँ से कहाँ तक मूव कर रही है, जीरो से लेकर और कहाँ तक, 32 तक, तो लिमिट जीरो से 32 ऐसे समझ लो आप, तो आपने रट रखा होगा ना, याद कर रखा होगा वाई डी एक्स, है ना, सीधे सीधे। तो अब इसमें क्या होता है अपना, इसमें हो जाएगा 0 से 32 वाई, वाई का मतलब क्या हो गया, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ऊपर कौन आ रहा है पैराबोला, नीचे कौन आ रहा है लाइन, तो ऊपर वाले कर्व में क्या हो जाएगा, ऊपर वाले कर्व में हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 8x माइनस नीचे वाले लाइन कौन है, वाई इक्वल टू एक्स बाई टू डी एक्स, आ गया समझ में। तो उसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा अपना, कर सकते हो सॉल्व इसको आप लोग, है ना, मैं कर देता हूँ 2√2 जीरो से 32 रूट एक्स डी एक्स माइनस 1/2 एक्स डी एक्स जीरो से 32 सॉल्व कर लो इसको आप, तो 2√2 यहाँ पे क्या जाएगा, एक्स की पावर 3/2 इंटू 2/3 माइनस यहाँ पे आ जाएगा हाफ एक्स स्क्वायर बाई टू, और लिमिट होगी 0 से 32, दोनों की कॉमन लगा दी मैंने ना, तो 0 पे तो 0 हो जाएगा, और बाकी इस पे क्या बचा बताओ, 32 पे क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लोगे इसको वैसे आप, 2√2 इंटू 2/3 32 की पावर कितनी होगी, 3/2 माइनस 1/4 इंटू 32 का स्क्वायर, तो देखो क्या हो जाएगा, 2 × 4 √2 32 की पावर 3/2, इसका मतलब क्या हो गया, 32 अंडर रूट 32 √2 √2 2 हो गया, तो 32 की पावर 32 और एक √2 यहाँ चला जाएगा 64 का अंडर रूट आ जाएगा 8 8 चौक 32, तो 32 का स्क्वायर हो गया कुल मिला के, क्या हो गया 32 का स्क्वायर बन गया, और माइनस 1/4 32 का स्क्वायर पहले से है, तो कितना हो गया कुल मिलाकर देखें जरा ध्यान से आप लोग, तो ये आ रहा है मेरे ख्याल से 32 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, √2 भी गायब हो गया है ना, √2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 32 क्या होगा 4√2 होगा ना, तो उसे √2 से √2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया 1/3 माइनस 1/4, तो कुल मिला के ये हो गया 1/12 है ना, यस 1/12 इंटू 1024 पता है ना, 2 की पावर 10 हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा ये 4 से कट रहा होगा सीधे सीधे, तो 4 से कितना हो जाएगा 256 4 × 12, तो ये आ गई इसकी वैल्यू क्या आ गई 256/3। आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी ले सकते हो आप, उसको मूव कराना पड़ेगा वाई की लिमिट्स में, है ना, तो वो हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड एरिया। तो देखो क्या करेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स ई टू द पावर एल एन साइन एक्स डी एक्स। देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, इंटीग्रेट करना है सिंपल, तो आपको बेसिक प्रॉपर्टी पता होगी लॉग की क्या होता है, ए टू द पावर लॉग बी टू द बेस ए होता है, देन इट इज इक्वल्स टू बी। तो सिंपल क्या हो जाएगा, ये तो हो गया अपना कॉस क्यूब एक्स, और ये क्या आ गया नीचे, छत से नीचे आ गया कौन, साइन एक्स डी एक्स। तो कुल मिला के आपके सामने है कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स, जस्ट पुट हियर कॉस एक्स इक्वल टू टी, यू विल गेट माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ओके सो नाउ यू आर गेटिंग हियर माइनस टी क्यूब डी टी एंड लिमिट, सॉरी लिमिट तो है नहीं इसकी, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो ये आ गया, तो इसका आंसर आ गया सी सीधे टी टू द पावर फोर अपॉन फोर प्लस सी। नाउ यू कैन राइट हियर टी क्यूब, टी क्यूब बोले तो कॉस क्यूब एक्स कॉस टू द पावर फोर एक्स अपॉन फोर प्लस सी, ठीक है ना, ये हो गया इसका आंसर। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है, 11 में क्वेश्चन में दी सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 11 माइनस 6x प्लस माइनस 10y प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, दी सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y प्लस सी इक्वल टू जीरो डज नॉट इंटरसेक्ट और टच y एक्सिस ऑफ x एंड y एक्सिस, ठीक है, एंड द पॉइंट 1.4 लाइज इनसाइड द सर्कल, देन रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ c इज गिवन बाय। तो एक बात बताओ मेरे को पहले, आप क्वेश्चन समझा दूं मैं आपको, क्वेश्चन में कह रहा है आपसे एक सर्कल दे रखा है आपको, और ये सर्कल ना तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा, ना कट कर रहा, ना वाई एक्सिस को टच कर रहा कट कर रहा, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस को ये कट टच नहीं कर रहा है। तो बताओ सी की रेंज क्या होगी। एक कंडीशन और भी अपने को गिवन है, क्या गिवन है कि ये जो पॉइंट है 1.2 है कि 1.1 है, 1, कुछ भी नहीं है 4 है। तो 1.4 जो पॉइंट है ना वो क्या कर रहा है, इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। तो एक काम करते हैं फटाफट से, देखो सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, जब ये सर्किल एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा ना टच कर रहा, तो अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी लिखते हैं अपन इंटरसेप्ट ऑफ ऑन एक्स एक्सिस, तो जी स्क्वायर माइनस सी को क्या करते हैं अपन ग्रेटर देन जीरो, और दूसरा वाई एक्सिस के लिए अपन क्या करते हैं एफ स्क्वायर माइनस सी को ग्रेटर देन जीरो। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा तो है बट वो आता कहाँ से है, तुम्हें पता है एक्स की वैल्यू जीरो करोगे आप तो वाई में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, और उसके रूट्स कैसे आने चाहिए आपको, नेगेटिव नॉन रियल आने चाहिए, तो उसका डी क्या कर दोगे आप लेस देन जीरो, तो अभी आता है निकल के ना कंडीशन निकल के आती है दोनों। कर लो फटाफट से क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर माइनस सी, जी का वैल्यू कितना आएगा 3, तो जी का वैल्यू 3 इसका मतलब ये हो गया आपका 9 माइनस सी ग्रेटर देन 0, तो सी ग्रेटर देन आ गया 9, क्लियर। यहां से देखो एफ स्क्वायर माइनस सी, एफ की वैल्यू कितनी आएगी 5 का स्क्वायर, ठीक है 25 माइनस सी ग्रेटर देन 0, तो सी ग्रेटर देन आ गया 25, ओहो दोनों ग्रेटर देन आ गए, तो इसका मतलब सी ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है सी ग्रेटर देन 25। नाउ कम टू द पॉइंट, दिस 1.4 लाइज इनसाइड द सर्कल, तो आपको पता है क्या होना चाहिए, एस वन लेस देन जीरो होना चाहिए, एस वन लेस देन जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, रखो 1.4, तो 1 प्लस 16 माइनस 6 माइनस 40 प्लस सी लेस देन जीरो, सो नाउ यू आर गेटिंग हियर 16 माइनस 6 10 30 29, तो सी क्या आ गया लेस देन माइनस प्लस 29। आगे समझ में आप कर लोगे, सी लेस देन 29 बट ग्रेटर देन 25, तो आंसर क्या आ जाएगा सी ग्रेटर देन 25 बट लेस देन 29, तो रेंज आ गई 25 से 29 के इन बिटवीन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं, चलो देखो क्वेश्चन 12, व्हाट इज द क्वेश्चन 12, इन क्वेश्चन नंबर 12 ही सेइंग दैट इफ द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड ऑफ द इलिप्स बेस, इज 0.3 देन द लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होगी। ओके एक इलिप्स है अपने पास, इस इलिप्स में क्या एक कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट अपने दे रखा है, क्या देखा है मिड पॉइंट अपने को एम 1.3 यस 0.3
अभी आपसे कह रहा है कि बताओ मिड पॉइंट यदि दे रखा है अपने को तो लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या रही होगी। आपको पता है व्हेन मिड पॉइंट इज गिवन देन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इज गिवन बाय टी इक्वल टू एस वन। ओके सो टी इक्वल टू एस वन करो, 0.3 रखो इसमें, तो टी क्या होगा, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से 0 × x प्लस वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से तो 3 × y माइनस वन इक्वल टू एस वन। एस वन क्या हो जाएगा आपका, पुट कर दो इसमें सिंपली 0 × 9/25 माइनस वन। एक्चुअल में माइनस वन लिखने की जरूरत नहीं है ना, कैंसिल आउट होता है हमेशा कॉन्स्टेंट। तो ये क्या बच गया आपका आंसर, ये बच गया y इक्वल टू 3। ओहो बहुत ही प्यारी इक्वेशन आ गई क्या, y इक्वल्स टू 3। तो y इक्वल्स टू 3 इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, क्या आ गई y इक्वल टू 3। अब ये क्या कर रही है, कट कर रही है किसको, इलिप्स को दो पॉइंट्स पर, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड निकल जाएगी आराम से। रखो y इक्वल टू 3 इसमें, तो क्या आ रहा है बताओ, x की वैल्यू 3 × 3 = 9, 1 − 9 चलो कर लेते हैं आराम से, x² / 16 1 − 9/25 तो x² आ गया, 16 का स्क्वायर अपॉन में 25 तो ये आ जाएगा x = 16/5। सही है, सही लिखा है ना, हाँ सही लिखा है बिल्कुल, ठीक है ना। तो 16/25 कौन आ गया, x प्लस माइनस में आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ चुकी है, अपने पास क्या है y इक्वल टू 3 है, तो कर लोगे आराम सॉल्व, लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूले से है ना। चलो नेक्स्ट करें आगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या कह रहा है, दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ठीक है इज। तो अब देखो क्या करना है अपने को, इसकी रेंज निकालनी है। तो रेंज निकालने का आपको पता है कि क्या करें अपन, या तो क्या करें सबसे पहले क्या कर सकते हैं अपन कि इन सब का क्या कर लें, एंगल सेम कर लें ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से। तो एंगल सेम करोगे तो देखो साफ दिख रहा है 3 cos² x + 4 sin² x, तो इसको ब्रेक कर लो किसमें, 1 + 3 में आप, तो 3 sin² x और 3 cos² x क्या बचेगी वैल्यू 3, और 1 के साथ क्या बचेगा सिर्फ cos² x। तो एक तो सिंप्लीफाई होगी ये आ गया, प्लस इसका क्या करोगे आप, तो देखो ध्यान रखो आप है ना, बहुत ही सिंपल सी बात है क्या कि a प्लस बी लिखा हुआ है मान लो, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर प्लस 2√ab लिख सकते हैं आप आराम से इसको, है ना। क्या हो जाएगा ये रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा, सिंपल है ना। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, सही बात है ना, ऐसे लिख लें। तो एक बात बताओ, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, cos x/2 + sin x/2 को √ sin² x/2 प्लस cos² x/2 + 2 sin x/2 cos x/2। तो इससे क्या होगा ना, फायदा हो गया अपने को बहुत, क्या फायदा हो गया, ये तो हो गया 1 2 sin a cos a क्या होता है sin 2a, तो ये हो जाएगा sin x, तो एंगल ना x में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा, है ना। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, √1 + sin x। समझाने की जरूरत नहीं है, समझा दिया अभी, ठीक है आगे चलो। अब पूरा का पूरा एंगल क्या आ गया, x में आ गया, तो बहुत आसान है। ये वैल्यू मेरे को क्या करनी है, मैक्सिमम करनी है, तो मैक्सिमम के लिए मैं क्या करूँ, साइन एक्स मैक्सिमम कितना होता है 1, और 1 वैल्यू मैक्सिमम कब आती है, जब x की वैल्यू कितनी रही होगी 5/2, तो क्या हो जाएगा 3 + 1 + √2, तो यानी कि 4 + √2 आ गया आंसर, खत्म है ना। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है ये, ऑन द इंटरवल 0 से 1 द फंक्शन fx = x^25 1 − x^75 टेक्स द मैक्सिमम वैल्यू एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी ये निकालना है, और इंटरवल दे रखा है अपने को 0 से 1x का, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, आपको पता है मैक्सिमम नियम कैसे निकालते हैं अपन, पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, वहां से अपन देखते हैं कि किस इंटरवल में वो बढ़ रहा है किस इंटरवल में घट रहा है, ठीक है ना, कौन f(x), ठीक है ना। चलें करें शुरू, चलो तो फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट कर लो आप, f(x) क्या आ जाएगा 25 x^24
वन माइनस एक्स टू द पावर 75 प्लस एक्स टू द पावर 25 एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 75 आगे आ जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर क्या बच गया 74, अब 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन। ठीक है, आगे चलो, कॉमन ले लो, कॉमन आ रहा है कुछ 25 कॉमन आ रहा है, एक्स की पावर 24 कॉमन आ रहा है, 1 माइनस एक्स की पावर 74 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा 1 माइनस एक्स बच गया और माइनस 25 या 75 यानी कि एक्स बच गया। ठीक है, तो कुल मिला के अपने सामने आ रहा है अब 25 एक्स टू द पावर 24, 1 माइनस एक्स टू द पावर 74 और 1 माइनस 4x। तो आप देखो ध्यान से, अपने पास क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आएंगे, वो आएंगे एक तो आएगा 0, एक आएगा 1 और एक आएगा 1/4। 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 4x, माइनस साइन कॉमन ले लो दोनों में से, तो माइनस साइन दोनों में से कॉमन लोगे ना, तो ये ऐसा नजर आएगा आपको 25 एक्स टू द पावर 24 और एक्स माइनस 1 की पावर हो जाएगी क्या 74 और 4x माइनस 1 हो जाएगा। अब अपने को इंटरवल लेना है सिर्फ 0 से 1, यानी कि अपने को सिर्फ ये इंटरवल लेना है 0 से 1 x का। ठीक है ना, तो बताओ जरा 0 से 1 में क्या इंटरवल आ रहा है, सिर्फ 1/4 ही आ रहा है बीच में, है ना पॉइंट, तो 1/4 पे चेक करना जरा ये क्या आ रहा है, 1/4 से पहले कैसा रहा होगा, ये तो नेगेटिव रहा होगा, ये नेगेटिव रहा होगा 1/4 से पहले, 1/4 के बाद में ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, तो इसका मतलब ये नेगेटिव आएगा ओवरऑल और ये माइनस माइनस प्लस ये पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन जो डेरिवेटिव है वो क्या हो रहा है, एफ डेस एक्स 0 से 4 से के बाद 0 से 4 में पॉजिटिव है और 4 से 1/4 एफ डेस एक्स क्या है अपना 0 से 4 1/4 में पॉजिटिव है और 1/4 से 1 में क्या है नेगेटिव, दैट मीन्स फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 0 से 1/4 एंड डिक्रीजिंग इन 0 से 1/4 से 1, यानी कि ये क्या बनेगा मैक्सिमम, तो इसका मतलब क्या हो गया 1/4 पे क्या हो रहा है, इट टेक्स मैक्सिमम वैल्यू कौन एफ एक्स। चलें आगे, तो आंसर क्या आएगा x बराबर 1/4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फेयर ऑफ रेडियस ए इज, ठीक है एक स्फेयर है और स्फेयर में क्या किया हमने एक सिलेंडर बनाया है ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, तो कह रहा है बताओ बताओ उसकी स्फेयर की रेडियस यदि ए है तो हाइट क्या होगी सिलेंडर की, यदि इसका वॉल्यूम क्या है मैक्सिमम, एक बात बताओ मेरे को आप, मैक्सिमम वॉल्यूम की बात कर रहा है तो इसका जो सेंटर है किसका स्फेयर का वो कहाँ से पास करेगा, दिस डायगोनल ऑफ सिलेंडर कह सकते हैं अपन, है ना डायमीटर और ये दोनों क्या होंगे सेम होंगे स्फेयर के और सिलेंडर के, तो इसका मतलब ये हो गया सेंटर सी और रेडियस अपने को दे रखी है किसकी स्फेयर की ए, ये होगी रेडियस इसकी ए, तो एक बात बताओ हाइट कितनी है इसकी एच, हाइट एच बतानी है अपने को है ना इफ वॉल्यूम इज मैक्सिमम, है ना सिलेंडर का, सिलेंडर का रेडियस अपन मान लेते हैं आर, ठीक है ना, तो ये तो कंप्लीट किया है एच है, हो गया क्वेश्चन खत्म। देखो आप ध्यान से देखो शुरू करो, सबसे पहले ये बताओ ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, तो ये बताओ ये ए है ये भी कितनी होगी ए होगी, तो इसको नाम दे दूँ मैं ए बी और सी, तो इन ट्राइंगल ए बी सी क्या मिल गया आपको 2r का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है 4a स्क्वायर आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया यहाँ से आ गया आर स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन में 4, लिख सकते हैं अपन आराम से। ठीक है चलो आगे देखो, अब इसका वॉल्यूम क्या करना है अपने को मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है किसका सिलेंडर का, तो 1v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, आर रेडियस कितना है इसका, रेडियस आया अभी अपने पास 4a स्क्वायर, ऐसा करो 4 से डिवाइड कर दो इसको, है ना 4 से डिवाइड करते क्या हो जाएगा अलग अलग ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा, है ना इनटू क्या चल रहा है एच, इसको और मल्टीप्लाई कर लो तो ए स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब अपॉन 4 ये आ गया कौन वॉल्यूम, अब वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है तो पहले क्या कर लें अपन डी वी अपॉन डी एच निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ से पाई इंटू ए स्क्वायर माइनस एच का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1 विद रिस्पेक्ट टू एच किया है हमने, है ना, और ये हो गया 3 एच स्क्वायर अपॉन 4। अब अपने को क्या करना है क्या आ जाएगा इसका पॉइंट, इसका पॉइंट आ जाएगा एच इक्वल टू कितना पाई तो हो गया 0 है ना, तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन में 3 यू कैन से एच इक्वल टू एच स्क्वायर यू कैन से एच इक्वल टू कितना आएगा 2a अपॉन अंडर रूट 3
ये आ गया एच। तो 2a अपॉन रूट थ्री से पहले वैल्यू कैसी होगी इसकी, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, चेक कर लो बस आप। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपको समझने कि 2a अपॉन रूट थ्री इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। आप ऐसे ये भी कर सकते हो, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो आप, डी टू ओ वी अपॉन डी एस टू, वो क्या आएगा नेगेटिव आएगा। दैट मीन्स एट एच बराबर 2a अपॉन रूट थ्री इट हैज मैक्सिमम वॉल्यूम, है ना, मैक्सिमम ही आएगा वो, लेकिन है ना, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, 16 के लिए। इसके लिए कंसेप्ट यही होता है अपना, है ना, कभी आपको मैक्सिमम मिनिमम चेक करना है तो क्या करोगे आप, पहले सिंगल डिफरेंशिएशन करो, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो, फिर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू निकालो। यहाँ से जो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, मान लो सी वन सी टू सी थ्री, तो यहाँ पर सी वन पे वैल्यू कैसी आ रही है इसकी, पॉजिटिव आ रही है, सी टू पे कैसी आ रही है इसकी, नेगेटिव आ रही है मान लो, ठीक है ना। तो इस पे क्या रखता है ये मिनिमा सी वन पर, और सी टू पे क्या रखेगा ये मैक्सिमा, ठीक है ना। जब सेकंड डेरिवेटिव क्या रहा हो नेगेटिव, दैट मीन्स इट हैज मैक्सिमा, है ना, एट दैट पॉइंट। और यदि पॉजिटिव आ रहा है तो इट हैज मिनिमा एट दैट पॉइंट, ठीक है, ये कंडीशन होती है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 रह गया। 16 में क्या कह रहा है, अ सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी। लिलिटी हो गया, लिलिटी क्या है, लिटी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का क्या करना है अपने को, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वोवेल, ओके, वी हैव टू सेलेक्ट अ वर्ड, अ लेटर फ्रॉम दिस वर्ड एंड वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड वर्ड इज अ वोवेल, ओके। शुरू करें, बताओ वोवेल कितने हैं इसमें, वोवेल्स कितने हैं इसमें, फोर हैं कि नहीं है, ए आई आई ओ, है ना, ए ई आई ओ यू, ये होते हैं वोवेल। बाकी बच्चे कितने, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, टोटल हैं कितने, ग्यारह, ठीक है ना। तो हमें सेलेक्ट कितना करना है, सिर्फ एक ही सेलेक्ट करना है, तो फोर सी वन अपॉन में इलेवन सी वन, आंसर कितना आ गया, फोर अपॉन इलेवन। चलें आगे नेक्स्ट, देखो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है आपसे, बानीवल थ्योरम का क्वेश्चन है आपका, ये पूछ रहा है द कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 50 इन द एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्स टू द पावर 1000 प्लस 2x इंटू एक्स 1 प्लस एक्स टू द पावर 999 प्लस 3x स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 998। अब टू कहाँ तक है ये, 1001 तक है क्या, 1001 एक्स की पावर 1000, ठीक है ना, यहाँ तक है। तो देखो क्या करना है, सबसे पहली बात तो ये कि अपने को निकालना है इसमें कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 50, ठीक है। तो एक काम करें अपन, दो तरीके करने के, आपको पहले मैं मेथड वन बता रहा हूँ, फिर मेथड टू बताऊंगा, ठीक है ना। तो मेथड नंबर वन देखें पहले आप, क्या कह रहा है ये आपसे, इस क्वेश्चन का क्या निकालना है, मेरे को कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 50 निकालना है ना। तो एक काम करें अपन, आप ध्यान से देखो, आपने सिक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा है तो उसमें ए जी पढ़ी है, ए जी पी, है ना। तो आप देखो इसमें आगे तो क्या लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 4, ये तो किसमें, ए पी में, कहाँ तक, 1001 तक। और दूसरा जो टर्म है वो क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर 1000 एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 989 एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 998। तो आप इसको ध्यान से देखो ना, इन टर्म्स को, तो ये किसमें आ रहे हैं, जी पी में आ रहे हैं। तो इसको यदि आप एस मान लो तो क्या होगा, कॉमन रेशियो जो आर आ रहा है इनवर्ट टर्म्स का, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स आ जाएगा, देखो ध्यान से आप, आ जाएगा। तो आप क्या करो, इस एस को मल्टीप्लाई कर दो किससे, एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स से। तो क्या आ जाएगा, ये एक्स से मल्टीप्लाई करोगे और इसी से डिवाइड करोगे, तो क्या बन जाएगा, ये एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 999 बन जाएगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर क्या हो जाएगा, डिवाइड किया है ना, अब हमने मल्टीप्लाई किया है, ओके, तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर बन जाएगा ये, है ना। और 1 प्लस एक्स की पावर कितनी बचेगी, 998, यानी एक्स की पावर बढ़ गई और 1 प्लस एक्स की पावर कम हो गई। तो अब लास्ट टर्म लिख देता हूँ मैं सीधे, है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1001 एक्स तो बढ़ जाएगा, एक्स की पावर बढ़ जाएगी 1001 और वो कम हो जाएगी, यानी कि 1 प्लस एक्स नीचे आ जाएगा। इससे पहले वाला टर्म को लिखना पड़ेगा, इससे पहले क्या आया होगा, इससे पहले आया होगा 1000 यानी कि 1000 और एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 1000 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि उससे पहले वाली पावर क्या रही होगी, 999, और नीचे क्या आएगा, एक 1 प्लस एक्स की पावर 1 आ रही होगी, तो वो कैंसिल आउट हो गया उससे, ठीक है ना। तो ये आएगा, अब इसको क्या करो आप, इसमें से इसको माइनस कर दो आप, है ना, इसमें से इसको माइनस कर दो इक्वेशन में से, तो एस माइनस
एक्स अपॉन वन प्लस एक्स इंटू एस इक्वल टू में क्या बचेगा पता है? देखो यहाँ पर वन प्लस एक्स की पावर 1000 है ना, और यहाँ पर क्या है 99, तो तरीका है आपने एजीपी में पढ़ा है वैसे ही है ना। एजीपी में क्या पढ़ा है कि जब अपन क्या करते हैं कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करके माइनस करते हैं, याद आ रहा है? तो क्या करते हैं, क्या कर देंगे अपन एक टर्म शिफ्ट करके इसमें से माइनस करेंगे, तो क्या आएगा ये 1 प्लस एक्स की पावर 1000, और यहाँ पे क्या है 2x, यहाँ पे कितना है कुछ भी नहीं है यानी कि 1x, तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर क्या आ जाएगी 999 आ जाएगी, सही है? आगे इसमें अब आगे चलें, यहाँ पे 3x स्क्वायर है और यहाँ पे 2x स्क्वायर, तो कितना बचेगा 1x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस एक्स की पावर 998। ऐसे ही चलते चलते यहाँ पे देखो लास्ट में ये क्या है 1000, ये भी 1000, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा 1 इंटू एक्स की पावर 1000, और ये माइनस का आ जाएगा 1001 अपॉन में 1 प्लस एक्स इंटू एक्स की पावर 1001। आगे समझ में? अब इसको सॉल्व कर लो आप, अब एस कॉमन ले लो, माइनस करोगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स इंटू एस इक्वल टू में क्या आएगा 1 प्लस एक्स, सेम ही आ जाएगा पूरा है ना, क्या आ जाएगा सेम, ये क्या आ गया सेम है ना। अब देखो क्या करो आप, 1 प्लस एक्स का वहां क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, तो क्या बचेगा एस इक्वल टू आ जाएगा आपके सामने 1 प्लस एक्स टू द पावर बन गई कितनी 1001 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर कितनी बन गई 999 थी ना, तो कितनी हो जाएगी 1000, और चलते चलते लास्ट में क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा एक्स की पावर 1000 इंटू 1 प्लस एक्स, और लास्ट में आ जाएगा माइनस का 1001 एक्स की पावर 1001, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना आपको, आप ध्यान से देखो तो ये क्या बन रही है एक जीपी बन रही है, इस जीपी का क्या कर लो आप सम कर लो, सम करने के बाद क्या करोगे आप उसमें निकाल लोगे कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 50, क्या निकाल लोगे कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 50, यहाँ से तो कुछ आने वाला नहीं है, यहाँ से तो क्या आएगा जीरो आएगा, लेकिन ये बन रही है क्या जीपी, तो जीपी का सम करके आप क्या निकाल लोगे कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 50, और करूँगा आगे थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देता हूँ है ना, एक स्टेप और करता हूँ, इसको रब कर दूँ थोड़ा सा है ना, इसको रब कर देते हैं, देखो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा आपका s इक्वल टू क्या आ गया बताओ सम, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, और कॉमन रेशियो क्या आएगा अब आएगा इसका कॉमन रेशियो x अपॉन में 1 प्लस एक्स, तो कॉमन रेशियो सेम आ रहा है भाई, तो s इक्वल टू क्या लिखोगे आप सीधे सीधे क्या होता है फॉर्मूला a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन में 1 माइनस r व्हेन r इज लेस देन 1, उससे क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, लिंक कोई बात नहीं लिख लेते हैं अपन, s इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ a कितना है इसमें 1 प्लस एक्स की पावर 1001 यस 1 माइनस आर, आर कितना आ रहा है अभी x अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर n, n कितना आएगा इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे बताओ 1 प्लस एक्स की पावर कितनी है पर 1 है ना, और कहाँ तक जा रहा है ये x की पावर 1001 तक, 1 से लेके 1001 तो कितनी आ गई इसकी पावर 1001 आ गई अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 1001 1 माइनस आर यानी कि x अपॉन 1 प्लस एक्स, इसको सॉल्व करो है ना, इससे तो मिलेगा नहीं है ना, इससे मिलेगा नहीं तो इसको मैंने क्या कर दिया गायब, क्या कर दिया इसको मैंने गायब है ना, कोई जरूरत नहीं इसको सोचने की है ना। चलो यहाँ से देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स और 50 निकालना है ना अपने को, क्या जाएगा ये देखो ये तो क्या हो गया एक्स एक्स कैंसिल आउट, तो 1/x बचेगा सीधे 1/1 + x बचेगा नीचे, और यहाँ क्या आ गया सॉल्व करो फटाफट से, तो एक काम करो ना आप सॉल्व क्यों करते हो इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 1 + x की पावर 1001 कैंसिल आउट हो जाएगी इससे, तो क्या बचेगी बताओ मिटा दूँ इसको मैं, क्या आ जाएगी बताओ ये आ जाएगा आपका 1 + x की पावर 1001 माइनस एक्स की पावर 1001 इंटू 1 + x की पावर 1001 कट गया इससे, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या आ गया नीचे इन सब के 1/1 + x सही है, 1 + x को ऊपर भेज दो तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1 + x की पावर 1002 माइनस एक्स की पावर 1001 इंटू 1 + x। आप फिर से देखो इसको हटा दो नीचे वाले को, अब फिर से आप देखो ध्यान से, तो यहाँ से देखो यहाँ से तो कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ से क्या मिलेगा जीरो मिलेगा कोफिशियंट किसका एक्स की पावर 50 का, बट यहाँ से क्या मिल जाएगा 1002 c 50, याद आ गया ना 1 + x की पावर n में जनरल टर्म अपन क्या लिखते हैं tr + 1 ncr x की पावर r लिखते नहीं लिखते, अब x की पावर कितनी चाहिए अपने को 50, तो ये कितना होगा 50 होगा नहीं होगा, अरे समझे लोअर इंडेक्स, तो क्या आ गया इसका आंसर 1002 c 50, ये तो हो गया मेथड नंबर 1। अब समझो मेथड नंबर 2, उसमें आपका आंसर क्या आएगा तुरंत आएगा,
लेकिन उसमें क्या है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। अब वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो, अपने पास लिखा हुआ था 999 है ना, ये था। इससे पहले टर्म क्या रहा होगा, इससे पहले वाला टर्म रहा होगा 1000x की पावर 999 और 1+x, ये तो रहा होगा। अब देखो, पहली बात तो ये बताओ मेरे को, x की पावर क्या निकालना है, कोफिशियंट ऑफ x की पावर 50 इन दिस, ठीक है। पहले मेरे को बताओ कोफिशियंट ऑफ x की पावर 50 निकलेगा क्या, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा 1000c 50 आएगा, यहाँ से क्या आएगा 2 × 2, यहाँ पहले से क्या x की पावर 1 है, तो अंदर से कितनी और चाहिए आपको 49, तो यहां से क्या हो जाएगा 999c 49 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सोचो आराम से, ठीक है ना। यहां पहले से पावर कितनी है x की 1 है, और मेरे को कितनी और चाहिए 49 और चाहिए, तो 50 हो जाएगी टोटल, सही है ना। यहां जाओ 3 × 2, यहां पे पहले से क्या बैठी हुई है पावर 2, तो कितनी और चाहिए अपने को 48, तो क्या हो जाएगा 998c 48। आगे चलो, यहां पे क्या हो जाएगा 997c 47, क्लियर है ना बात ये वाली मेरी। तो देखो, मेरे को कब तक मिलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 50, जब तक कि बाहर कौन है एक्स की पावर 50 से कम या उसके बराबर है। तो सोचो, यहाँ पर 1000 है, यहाँ छोड़ो, यहाँ बताओ, यहाँ पर 3 था, तो 3 के साथ क्या आया 48, सही है ना। और कहने का मतलब ये है कि 3 के साथ आ रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो अंदर से पावर चाहिए थी अपने को 48, तो यहाँ 4 आया, तो पावर क्या रही होगी यहाँ पर क्यूब पहले से, तो यहाँ पर कितना आया 47। तो लास्ट टर्म कौन सा आएगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सिंपल सी बात। तो लास्ट टर्म क्या आएगा आपका, कर लें फटाफट से, 4950। आप सोचो इन दोनों का डिफरेंस कितना चल रहा है, 950, कितना डिफरेंस चल रहा है 950, तो 950 सी 0 आएगा, नहीं आएगा लास्ट टर्म। और आगे कोफिशियंट क्या रहा होगा, इन दोनों का सम कितना है, 51 है, हमेशा देखो आप ध्यान से 51 है, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ इसका मतलब 51 आया होगा, क्या आया होगा 51। आगे बात समझे मेरी, इसका मतलब इसके आगे जो टर्म आएंगे, है ना, इसके आगे वाले टर्म्स, है ना, जो फर्दर टर्म्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, दे डू नॉट गिव कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर 50। आगे बात समझे मेरी, अब चलो आगे समझा गए ना टर्म कैसे निकाला मैंने, मैंने वहां तक के टर्म्स ले लिए जहां तक कि मेरे को एक्स पावर 50 मिल जाएगी, बट ये मैं आपको समझा रहा हूं, है ना, इसलिए टाइम लग रहा है, ये आपको खुद से आएगा समझ में, तो आप क्या करोगे, इतना टाइम नहीं लगाओगे, आपको ये लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे मेरा समझ में, चले आगे। तो देखो क्या हो जाएगा बताओ, कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 50 मिल गया अपने को, है ना। अब इसका सम करना है अपने को, अब आप कुछ मत करो, अब आप ध्यान से देखो, ये 51 टाइम आ रहा होगा, इससे पहले क्या आया होगा, इससे पहले आया होगा 59 51 C1 आया होगा, ठीक है ना। तो देखो ये 51 बार आ रहा है, ये 50 टाइम्स आ रहा है, ये 4 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, बीच में बहुत सारे टर्म आ रहे होंगे, है ना, काफ़ी सारे टर्म्स आ रहे हैं सारे। तो अब क्या होगा, इन समय से ना एक एक टर्म उठा लो, आप एक एक टर्म उठा लो, यानी कि 950C0 प्लस 951C1 प्लस 952C2 प्लस कहाँ तक, 1000C50 तक। तो देखो क्या होगा, आप सोचो, इस 950C0 को आप लिख दो 951C0, लिख सकते हैं, और इसमें से आप 951C1 को ऐड करो, तो क्या बन जाएगा ये 952C2C1 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, ठीक है ना। और इसके आगे वाला टर्म क्या आ रहा होगा, 952C2 ही तो आ रहा होगा, फ्री ऐड होके क्या बन जाएगा 953C2, फिर इसके अगले टर्म क्या आएगा 953C3 आएगा, तो ये ऐड होके क्या बन जाएगा 954C3। तो कुल मिला के ऐसे करते करते इससे जस्ट पहले वाला टर्म क्या आएगा यहाँ पर इससे पहले आएगा 1000C49, ये आएगा नहीं आएगा, तो यहाँ पर ही इसके साथ ऐड होके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1001C50 बन जाएगा, सही है, ये बन गया। अब इससे पहले टर्म क्या आएगा, अब इससे पहले टर्म क्या आएगा, आप सोचो, इससे पहले टर्म आएगा अपना 999C49, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोबारा से 1000C
49 में, ठीक है ना। और इसके पहले टर्म ऐसे चलता जाएगा, नहीं चलता जाएगा ये, और लास्ट तक अपना टर्म क्या बचेगा, लास्ट में अपना टर्म आएगा ये वाला, इसका मतलब क्या हो गया, ये आ जाएगा 950C0, सही है ना। और ये कितने टाइम्स चल रहा होगा, ये 51 टाइम्स आ रहा था, तो कुल मिला के आपकी जो सीरीज है वो क्या बन जाएगी, ये बन चुकी होगी। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, लास्ट में जो ये सीरीज आएगी जब उसको आप सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा आपका 950C0, इसको कन्वर्ट करोगे फिर दोबारा से किस में, आप 951C1 में, तो क्या हो जाएगा ये 952C2, सही है ना, 952C1, फिर 953C2, कुल मिला के फिर दोबारा से इसको कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे इससे पहले टर्म क्या आएगा आपका 1001C49 आएगा। तो उसको आप क्या लिखोगे, इसके साथ ऐड करोगे, और ऐड करोगे तो क्या बनेगा अपने पास 1001+1C(n+1), जो बड़ा वाला होता है लोअर इंडेक्स में जो बड़ा है वो आएगा, ठीक है ना। तो क्या आएगा 1002C50 आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 1002C50 आएगा। तो कुल मिला के क्या है इसमें कहानी जो है ना वो बस यहीं तक की है, इसके आगे तो क्या है खुद समझ में आ जाता है, क्या इसको आप आँखों आँखों में खुद से कर सकते हो, क्या ये बन जाएगा 951C1, तो 952, फिर 953, फिर ऐसा सोच के सीधे ना क्या आ गया 1001C50 आ गया यहाँ पर। फिर उसके बाद एक, अब यहाँ से एक बचा है अभी, बाकी इन सब में से एक एक बचा है ना, अब ये तो खत्म हो गया, अब यहाँ तक के टर्म बचे होंगे, क्यों, क्योंकि इसमें से एक चला गया ना अभी अभी सॉल्व होके, तो इसमें से जो एक टर्म बचा है वो किसके, उसको मिलाकर सब में से एक एक टर्म लेके क्या करेंगे अपन, फिर दोबारा से शुरू हो जाएंगे क्या 951C1 लिख के, C0 लिख के इसको फिर दोबारा से भी शुरू करेंगे। फिर इससे पहले तक क्या आएगा, इससे पहले आएगा 999C48, तो 999C48 को अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसके साथ, तो क्या बन जाएगा फिर वो 1000C49, आ रही है समझ में, तो 1000C49, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 999C49, तो ये क्या बन जाएगा 1000, और ये 1000 बन जाएगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा ये रहा 1000C49, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, इसके पहले वाला जो टर्म होगा ये, इसमें से एक बचेगा, वो क्या लिखोगे आप 998C48, तो यहाँ तक का जब सम करोगे उसमें से आप, फिर से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 999C48 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसको आप ऐड, फिर मतलब सीरीज बन गई, नहीं बन गई पूरी कुल मिला के, तो कुल मिला के ये क्या बन जाएगा आपका एक सीरीज बनेगी, और जिसका सम क्या आएगा आपका 1002C50 आएगा ना, तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बाकी पहले वाला इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको भी कर लो, है ना, इसको भी सोच सकते हो, इसको थोड़ा समझना बैठ के, उसके बाद कोई डाउट है तो बताना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, देखो क्या कह रहा है, इफ पी, पी है कि अनिल फुटबॉल खेलता है अच्छा, है ना, अच्छा फुटबॉल खेलता है, क्यू है अनिल ब्रदर्स इज अ कोच, और आर है अपना अनिल इज सिलेक्टेड इन फुटबॉल टीम। ओके मैं आपको लिख देता हूँ, है ना, क्वेश्चन है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग का, तो इसमें जो स्टेटमेंट दे रखे हैं, पी कह रहा है कि अनिल प्लेज फुटबॉल, ठीक है ना, फुटबॉल वेल, है ना, फुटबॉल वेल, क्यू है अपना अनिल, अनिल्स ब्रदर इज अ कोच, एंड जो आर है स्टेटमेंट वो है अनिल सेलेक्टेड इन द टीम, फुटबॉल टीम है ना, फुटबॉल टीम है तो टीम लिखी है ना। अभी आपसे कह रहा है कि इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा बताओ, इफ अनिल डज नॉट प्ले फुटबॉल, यदि अनिल फुटबॉल नहीं खेलता है तो उसके लिए क्या होता है, नेगेशन ऑफ पी, एंड हिज ब्रदर इज अ कोच, और साथ के साथ क्या है एंड, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, मतलब ये एंड क्या हो जाएगा, अनिल्स ब्रदर इज अ कोच, वो कोच अभी भी है तो इंटरसेक्शन क्यू, एंड क्यू हो गया, एंड के बाद अब क्या कह रहा है, देन, देन मतलब इंप्लाइज, इट इंप्लाइज क्या हो गया, इसका आंसर क्या आया कि अनिल इज सेलेक्टेड इन फुटबॉल टीम, अनिल सेलेक्ट हो गया, यहाँ क्या हो गया आर, तो कुल मिला के क्या हो गया, नहीं सेलेक्ट नहीं हुआ ना, अनिल इज नॉट सेलेक्टेड इन फुटबॉल, नॉट का मतलब क्या हो गया, नेगेशन आ गया, इसका आंसर है ना। तो अपने को बताना था कौन सा स्टेटमेंट है इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये वाला आ जाएगा सी, है ना, थर्ड आ जाएगा इसका मतलब। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, में देखो क्या कह रहा है ये, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, टेन ऑफ जे एफ एक्स माइनस पाई
इंटू पाई अपॉन में वन प्लस जे एफ एक्स का स्क्वायर। तो देखो नीचे तो क्या है ये नॉन जीरो है हमेशा, नीचे तो क्या है ये नॉन जीरो, नॉन जीरो क्या अपन कह सकते हैं ऑलवेज क्या है पॉजिटिव है नीचे, तो डिनोमिनेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव, तो कोई टेंशन है ही नहीं अपने पास नीचे से, तो डिसकंटिन्यूटी की है ना या फिर किसी नॉन डिफरेंशियबिलिटी की। बात करते हैं ऊपर की सिर्फ, तो ऊपर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है एक जी आई एफ है, ये जी आई एफ है, इसका मतलब क्या हो गया इसका जो आंसर आएगा जो इसका आउटपुट आएगा वो हमेशा क्या आएगा एक इंटीजर आएगा, और इसका आउटपुट हमेशा इंटीजर आएगा। तो इंटीग्रल पाई के लिए टेन के लिए क्या होती है ऑलवेज जीरो, क्या होती है ऑलवेज जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया ये कैसा फंक्शन आएगा, एक कॉन्स्टेंट फंक्शन आएगा, और कॉन्स्टेंट फंक्शन आएगा इसका मतलब क्या आ गया कि इसका ये फंक्शन क्या होगा ऑलवेज कॉन्टीन्यूअस, और फंक्शन कॉन्टीन्यूअस भी होगा साथ के साथ और क्या होगा बताओ फंक्शन डिफरेंशियबल भी होगा। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं f डबल डैश x एग्जिस्ट फॉर ऑल x, ठीक है, ठीक है ना। तो कॉन्स्टेंट आ गया एफ एक्स भी कॉन्स्टेंट है, जीरो आ गया ना सीधे, हमेशा जीरो आएगा। तो टेन क्या है अपना टेन पाई के लिए क्या समझ में आ गई नहीं आगे बात, ये क्या है ये वैल्यू हमेशा इंटीजर आएगी, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या होता है टेन जीरो होता है, और ये तो क्या है अपना ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो कुल मिला के बात क्या आ रही है कि एफ एक्स इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है कॉन्स्टेंट कह सकते हैं फंक्शन को है ना, कॉन्स्टेंट जीरो फंक्शन आ गया। तो कुल मिला के क्या है ये हमेशा कंटिन्यूस भी होगा डिफरेंशियबल भी होगा हर एक पॉइंट पर। तो कुल मिला के डिसकंटिन्यूट है सम एक्स ना कंटिन्यूस एट ऑल एक्स यस, बट एफ डैश एक्स नहीं नहीं एफ डैश एक्स तो एग्जिस्ट करता है हर जगह फॉर ऑल रियल एक्स। तो अब थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बट एफ डबल डैश एक्स ना एफ डबल डैश एक्स भी क्या आएगा हमेशा जीरो आएगा ना, एफ डबल डैश एक्स हमेशा जीरो आएगा एग्जिस्ट कर रहा है सारे पॉइंट्स पर। तो कुल मिला के क्या है अपन कह सकते हैं कि फोर्थ ऑप्शन सही है ना एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स। चलो आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। देखो इसमें क्या कह रहा है 20 क्वेश्चन नंबर में, द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 टू बी, बी क्या है अपना 6 7 8। तो देखो अपने पास बी में तीन एलिमेंट्स हैं ए में पांच एलिमेंट है, कह रहा है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बताने हैं। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का सीधी आपको पता है क्या होता है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकालने आपको। तो क्या करो आप टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस से जो निकल के आता है अपने पास क्या आता है, याद भी है कि नहीं है, नहीं है याद कोई बात नहीं, याद नहीं है तो सुन लो है ना सुन लो। तो देखो ऑन टू फंक्शन का मतलब पहले समझाता हूँ मैं, होता क्या है कि अपने को वो मैपिंग्स बतानी है जिसमें क्या होगा बी सेट में कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसकी कोई प्रीमेज ना हो, किसमें सेट ए में, ठीक है। अब सिक्स है तो सिक्स की प्रीमेज कितनी हो सकती है मैक्सिमम तीन, सेवन की कितनी हो सकती है थ्री, एट की कितनी हो सकती है थ्री, तो थ्री 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 क्या हो जाएगा थ्री की पावर फाइव, क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन थ्री की पावर फाइव। तो इसको जो सॉल्व करके आता है वो अपना जो फॉर्मूला आता है क्या होता है सिग्मा माइनस एम सी आर माइनस वन की पावर आर, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना आर माइनस एम की पावर एन या एन माइनस एम माइनस आर होता है ना एम माइनस आर, ठीक है ना एम माइनस आर, और आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है जीरो से लेकर एम तक, ये तो होता है। तो कुल मिला के क्या है सॉल्व कर लें इसको फटाफट से अपन, है ना एक सेकेंड, चलो देखो करें शुरू, बताओ क्या हो जाएगा m की वैल्यू कितनी है पर बताओ, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a एंड m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b, है ना m इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b और n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a। करें शुरू फटाफट से अब, r इक्वल टू कितना हो गया जीरो से लेकर कहाँ तक आएगा थ्री तक, तो यहाँ पे कितना होगा थ्री सी आर माइनस वन की पावर r, m कितना हो गया थ्री माइनस आर टू दी पावर n, n कितना है अपना फाइव। कर लोगे सॉल्व इसको आगे अब फटाफट से कर लोगे ना, क्या हो जाएगा बताओ थ्री सी जीरो माइनस वन की पावर जीरो थ्री माइनस जीरो की पावर फाइव प्लस थ्री सी वन माइनस वन की पावर वन थ्री माइनस वन की पावर फाइव, यहीं कर लूँ आगे सॉल्व, चलो यहीं कर देते हैं, प्लस थ्री सी टू माइनस वन की पावर टू थ्री माइनस टू की पावर फाइव थ्री सी थ्री माइनस वन की पावर थ्री थ्री माइनस थ्री की पावर फाइव, ठीक है ना, ये तो जीरो हो गया है ना, इसकी वजह से ये तो जीरो हो गया, इसको सॉल्व कर लो क्या आ जाएगा, तो ये हो गया थ्री सी जीरो कितना होता है वन, ये वन, ये हो गया थ्री की पावर थ्री यानी कि 243। आगे चलो थ्री सी वन कितना हो गया थ्री इंटू माइनस वन और टू की पावर फाइव कितना हो गया 32, थ्री सी टू तो थ्री हो गया माइनस वन का स्क्वायर वन हो गया, यहाँ पे वन आ गया, तो कुल मिला के कितना आ रहा है ये 243
माइनस 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 32 इंटू 3 कितना आ गया 96 प्लस 3, तो कुल मिला के मेरे ख्याल से आ रहा है 46, 96, तो कितना आ गया 150 आ गया। तो ये क्या हो गए, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने हो जाएंगे 150 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4th हो जाएगा सही। चलो देखो नेक्स्ट सेक्शन डी, सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस, क्या मॉड जेड प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इसके आपको क्या बताना है नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस। क्या करेंगे देखो, जेड को आप मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा बराबर 0, क्या आ गया ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा बराबर 0, तो 0 को मैं लिख दिया 0 प्लस 0 आयोटा, ठीक है ना। तो कंपेयर कर लो दोनों साइड को, तो क्या मिल जाएगा आपको, एक तो मिल गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, और इमेजिनरी पार्ट इक्वल करोगे तो क्या मिल जाएगा 2xy बराबर 0, तो यहाँ से क्या मिल गया आपको x बराबर 0 और y बराबर 0, ठीक है ना। और वहाँ से क्या मिलेगा चेक कर लेते हैं, तो अपन ने क्या कर दिया, दो केस बना लेते हैं, केस 1 व्हेन x बराबर 0, जब x की वैल्यू 0 होगी तो देखो क्या हो जाएगा 0 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ गया y इक्वल टू मॉड y इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो पॉजिटिव तो खुलेगा नहीं, है ना, कैसा खुलेगा, नेगेटिव खुलना पड़ेगा, तो माइनस वाई बराबर माइनस का वाई स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू 2 आ रही है 0 और माइनस 1 प्लस 1, है ना, 0 और 1 आ रही है वाई की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू 0 के लिए 0 हो गया और दूसरे 0 के लिए क्या हो गया 1, सही है ना, ठीक है। एक्स की वाई की वैल्यू देखो मॉड एक्स माइनस वाई स्क्वायर आ रहा है ना, लेकिन एक बात नहीं नहीं पॉसिबल ही नहीं है, एक्स की वैल्यू 0 रखी है मैंने ना, एक्स की वैल्यू 0 रखी है तो 0, तो वाई स्क्वायर कैसा आ रहा है नेगेटिव, तो ये तो अच्छा पॉसिबल वाई प्लस का हो जाएगा ना, माजा के वाई प्लस का हुआ तो अब पॉसिबल है ना, माइनस वाई स्क्वायर तो पॉसिबल नहीं था ना, क्या हो गया, समझ में आ गई ना बात, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ मोड एक्स इक्वल टू क्या है माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि LHS क्या कह रही है कि LHS कह रही है ऑलवेज इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट ये क्या कह रहा है इट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ठीक है ना, नॉन नेगेटिव है और आगे साइन माइनस का है, तो ये क्या होगा हमेशा नेगेटिव हो जाएगा या 0 होगा, तो x इक्वल टू 0 नहीं है तो ये x बिलोंग्स टू क्या देगा अपने को 5 देगा, इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 तब ये तो क्या दे देगा अपने को 5 दे देगा, आगे वैसे में तो x इक्वल टू 0 के लिए पॉसिबल है सिर्फ ये केस। चलो आगे, तो यहाँ पर तो ये क्या होगा प्लस का हो जाएगा वहाँ जाके, और प्लस का हो जाएगा तो फिर क्या आएगा ये आ गया, तो यहाँ से अच्छा इसका मतलब क्या हो गया, दोबारा कर लें अपन आराम से कर लेते हैं, ठीक है ना, तो बताओ क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू, दोनों ले लें एक बार में प्लस माइनस y, तो y स्क्वायर को प्लस माइनस y यानी कि माइनस प्लस y इक्वल टू 0, तो y कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा y माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू एक तो आ गई 0 और दूसरी क्या आ गई प्लस का 1 और माइनस का 1, ठीक है ना। तो अब x की वैल्यू 0 के लिए आ रहे हैं सारे सारे सम वैल्यूज अपनी, तो क्या क्या सॉल्यूशन आ गए 0 0 एक आ गया 0 1 और एक आ गया 0 माइनस 1, ठीक है ना। अब लास्ट दूसरा केस, केस नंबर 2 क्या मान लें अपन, केस नंबर 2 ले लेते हैं अपन व्हेन x इक्वल टू 0 और दूसरा ले लेते हैं अपन y इक्वल टू 0 के लिए। चलो सॉल्व करो, y इक्वल टू 0 के लिए क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर और y तो 0 हो गया तो इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ गया मॉड x बराबर क्या आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर, देखो इसमें क्या आ रहा है x बिलोंग्स टू 5 है ना, एक्सेप्ट 0 एक्सेप्ट 0 या सीधे मैं लिख दूँ 0, ठीक है ना, बस 0 लिख देता हूँ, है ना, x इक्वल टू 0 के लिए पॉसिबल है सिर्फ, है ना, है ना, x बिलोंग्स टू x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 यहाँ सॉल्यूशन आ रहा है, तो इसमें क्या हो गया 0 कॉमन 0 तो वहीं ले लिया था हमने सॉल्यूशन, जरूरत नहीं है बार बार रिपीट करने की, ठीक है ना। तो क्या हो गया कुल मिला के बाद, ये हो गई कि इसे सॉल्यूशन आ रहे हैं वो आ रहे हैं 0 0 0 1 और 0 माइनस 1, तो आर्गेंट प्लेन की अपन बात करें तो क्या क्या बनेंगे, ये बनेंगे सॉल्यूशन अपने 0 आयोटा और माइनस आयोटा, सही है ना। चलें आगे, चलो
तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे इसके, 3 आएंगे है ना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर टू में क्या कह रहा है ये, द इक्वेशन लैम्डा इंटू 2x प्लस वाई प्लस 4 प्लस म्यू इंटू एक्स माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ लाइंस फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पैरामीटर्स लैम्डा एंड म्यू, द नंबर ऑफ लाइंस बिलोंगिंग टू दिस फैमिली एट अ डिस्टेंस ऑफ √10 फ्रॉम द पॉइंट 2, -3 इज। ओके, समझ आ गई बात, ये कहना चाह रहा है आपसे, ये आपको फैमिली ऑफ लाइंस दे रखी है, ठीक है ना, तो लैम्डा और म्यू की डिफरेंट वैल्यूज के लिए क्या है, फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है ये, ठीक है। तो नंबर ऑफ लाइंस बतानी है अपने को बिलोंगिंग टू दिस फैमिली विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ √10 यूनिट्स फ्रॉम पॉइंट 2, -3। तो एक पॉइंट है 2, -3, उस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी है फैमिली ऑफ लाइंस की, √10 है, तो बताओ कितनी फैमिली ऑफ लाइंस होंगी, चलो देख लेते हैं। तो पहले तो ये बताओ मेरे को इस लाइन को, यदि मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ इसको, 2 लैम्डा प्लस म्यू इंटू एक्स लैम्डा माइनस 2 म्यू इंटू वाई प्लस 4 लैम्डा माइनस 3 म्यू बराबर 0 है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 लिख लिया। अब ये जो फैमिली ऑफ लाइंस आ गई इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, अब इस लाइन की डिस्टेंस 2, -3 से कितनी होनी चाहिए, √10 कर देते हैं, तो √10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड मॉडुलस ऑफ किसका, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रखो 2 लैम्डा प्लस म्यू इंटू 2 प्लस लैम्डा माइनस 2 म्यू इंटू वाई कितना है, -3 प्लस कितना आ जाएगा, 4 लैम्डा माइनस 3 म्यू अपॉन में क्या आएगा, कोफिशियंट ऑफ एक्स और कोफिशियंट ऑफ वाई का स्क्वायर का सम, तो क्या हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस म्यू का स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2 म्यू का होल स्क्वायर। आ गया समझ में, अब देखो आगे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे अपन, पहले चलो सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा है ना, √10 बराबर क्या आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा, तो कितना बचा लैम्डा, लैम्डा और 4 लैम्डा कितना हो गया, 5 लैम्डा, चलो म्यू बताओ कितना आएगा, 2 म्यू प्लस 6 म्यू कितना हो गया, 8 म्यू, 8 में से 3 गया तो 5 म्यू, नीचे बताओ कितना आएगा, 2 × 2 = 4, 4 लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर कितना हो गया, 5 लैम्डा स्क्वायर, म्यू स्क्वायर और 4 म्यू स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 5 म्यू स्क्वायर और बाकी आएगा प्लस का 4 लैम्डा म्यू और माइनस का 4 लैम्डा म्यू कट जाएगा, ये बचा। अब इसका स्क्वायर कर लो दोनों तरफ तो क्या मिल जाएगा, 10 इक्वल टू 25 इंटू लैम्डा प्लस म्यू का होल स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा, 5 इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, तो 25 और 5 से काटो तो 2, तो ये आ गया 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर बराबर लैम्डा प्लस म्यू का होल स्क्वायर। और यहाँ से आप सॉल्व करोगे इसको तो क्या दे देगा आपको, ये लैम्डा स्क्वायर म्यू स्क्वायर कट जाएगा, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 म्यू आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो ये लैम्डा प्लस म्यू का क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया, और लैम्डा प्लस म्यू का होल स्क्वायर बन गया, इसका मतलब क्या कह सकते हैं अपन इसको, लैम्डा बराबर किसके है, माइनस म्यू के है ना, लैम्डा इक्वल टू क्या है, अच्छा माइनस था क्या, माइनस है तो किसका होल स्क्वायर बनेगा, माइनस का, तो क्या आएगा, प्लस का, ठीक है ना, प्यार से दूं आराम साफ साफ, लैम्डा इक्वल टू म्यू आ गया, और लैम्डा इक्वल टू म्यू आ गया इसका मतलब क्या हो गया कि लैम्डा और म्यू इक्वल है, तो कॉमन लेके क्या हो जाएंगे, 0, तो अपने पास सिर्फ एक ही लाइन आएगी फिर, तो जब लैम्डा म्यू है ही नहीं, गायब हो गए, 1 हो गए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, 3x प्लस का y माइनस का y, माइनस का y और प्लस का 4 माइनस का 3 यानी कि प्लस का 1 इक्वल 0, दिस इज द ओनली लाइन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ √10 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट 2, -3 है ना। चलो नेक्स्ट, एक ही लाइन आएगी है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। The graph xy equal to 1 is reflected in y equal to 2x. To give the graph 12x square plus rxy plus sy square plus t बराबर 0, find r into s. आपसे कह रहा है इस कर्व का रिफ्लेक्शन अबाउट दिस लाइन ये है, तो बताओ r into s क्या होगा। चलो देखो पहले बताओ इस ग्राफ, इस कर्व का रिफ्लेक्शन निकालना है इसमें, तो क्या करूंगा मैं एक जनरल पॉइंट ले लेता हूं उस पर है ना, क्या ले लूं, h, k
एच कॉमा के इसमें मान लेता हूँ अपन, तो क्या हो जाएगा एच इन टू के, क्या हो जाएगा एच इन टू के बराबर वन आ जाएगा ना, समझ में आ रही है मेरी बात? तो इस पॉइंट का मैं क्या निकाल लूँ, इसके अबाउट रिफ्लेक्शन, तो वो जो लोकस आएगा वो यही पॉइंट होगा, हाँ यही कर्व हो जाएगा ना, इसी का रिफ्लेक्शन होगा वो। चलो तो कर लेते हैं, पहले इस लाइन को लिख लें प्यार से, क्या हो जाएगी 2x - y बराबर जीरो। चलो इसका रिफ्लेक्शन निकालते हैं अबाउट दिस लाइन, है ना, इस पॉइंट का, इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे बताओ। एक पॉइंट का रिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन में बी इक्वल टू माइनस टू टाइम्स ऑफ, क्या करेंगे इस पॉइंट को उठा के इस लाइन में रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2h - k अपॉन में अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है ना, सिंपल रूट मत लगाओ तब भी सही है। तो क्या आ गया यहाँ से, x माइनस एच अपॉन टू इक्वल टू वाई माइनस के अपॉन वन माइनस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा ये माइनस का 4h प्लस का 2k अपॉन में कितना आ जाएगा 5। चलो सॉल्व करते हैं आगे, तो क्या आ गया ये सॉल्व करो, x की वैल्यू आ गई यहाँ से x माइनस एच आ जाएगा, ऐसा करो 5 को वहाँ ले जाओ 2 को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 5h बराबर माइनस का 8h प्लस का 4k, तो कुल मिला के यहाँ से आ गया, इसको वहाँ ले जाओगे तो ये आ जाएगा 5x इक्वल टू माइनस का 3h प्लस का 4k, सही है? और बताओ, अब इसके बाद दूसरी वाले से क्या आ जाएगा, y की वैल्यू बताओ, 5y इक्वल टू क्या आ जाएगा, सीधे कर दो आंखों आंखों में सॉल्व, 5y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4h, तो प्लस का 4h आ गया, माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2k, माइनस का 2k यहाँ पर और माइनस का 5k वहाँ पर, तो प्लस का 5k यानी कि प्लस का 3k आ जाएगा, सही है? अब एक काम करो, दो इक्वेशन दो अननोन, कौन कौन, h और k, तो एक काम करो h और k की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से और उसको सेटिस्फाई करा देंगे उस कर्व में, ठीक है? तो एक काम करो, ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2, इन दोनों को सॉल्व करके ना h और k निकालना है बस आपको, तो इसको क्या कर दो ना, मल्टीप्लाई कर देना 4 से, इसको 3 से, दोनों को जोड़ दो तो k मिल जाएगा। चलो कर लें, तो 4 चौक 16, 3 3 9, दोनों को ऐड कर दिया है ना मल्टीप्लाई करके, यहाँ से क्या हो जाएगा 20x और 3 15y, तो कुल मिला के आ गया ये 25, 25 से डिवाइड करोगे आप, 25 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 4 5 20 और 3y अपॉन में 5, ये तो क्या आ गया के, ऐसी क्या निकाल लेना आप, h निकाल लेना, जब h निकाल लोगे k निकाल लोगे, इन दोनों को क्या कर दोगे इसमें पुट कर दोगे, उसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा, रिफ्लेक्शन को यहाँ रखोगे तो यहाँ से कंपेयर करके क्या निकाल लोगे आप r और s, और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आंसर आ जाएगा निकल के, करूँ क्या मैं, कर लोगे इसको, है ना, मैं निकाल दूँ h की वैल्यू क्या आएगी बताओ। अब एक काम करो, अब इसको माइनस करना है अब आपको, अब उल्टा करना, इसको 3 से करना और इसको 4 से करना और फिर माइनस करना, तो ऐसा करो 4 चौक 16 16 और 9 25, अब की बार आएगा आपका 25 एच आ जाएगा, और देखो 4 5 20 20 - 15 20y - 15x, तो अब ये आ जाएगा यहाँ से h इक्वल टू अपॉन में 5 और ये कैंसिल आउट होकर बचेगा आपका 4 और ये बचेगा 3। कैलकुलेशन कर लोगे ना, h और k निकालना है, सिंपल है ना, ये h आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये लो मैं कर देता हूँ पूरा काम, क्या हो जाएगा 4x प्लस 3y इंटू 4y - 3x इक्वल टू कितना हो गया 25, समझ सही है ना, x इंटू y कितना है 1 है ना, तो h इंटू k 1 है, तो h और k की वैल्यू रख दी मैंने उठा के उसमें, तो कितना आ गया ये, पहले x स्क्वायर बताओ कितना आएगा, माइनस का 12x स्क्वायर आ रहा है, प्लस का 12y स्क्वायर आ रहा है, और माइनस का 12 और प्लस का देखो 4 चौक 16 और 3 3 9, 16 में से 3 7, प्लस का 7xy आ रहा है, माइनस का 25 बराबर 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 12x स्क्वायर माइनस का 12y स्क्वायर माइनस का 7xy प्लस का 25 बराबर 0, तो क्या करना है अपने को, r इन टू एस करना था ना, तो r इन टू एस कितना हो जाएगा, r इन टू एस हो जाएगा आपका आर एस 84 आ जाएगा, ठीक है? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ एफ एक्स इक्वल टू 1 + x^3 और क्या कह रहा है, जी ऑफ एफ एक्स 3 - x^3 गिवन है प्लस एक्स, तो कह रहा है बताओ जी फाइव की वैल्यू क्या होगी, निकाल दो जी फाइव का मतलब क्या हो गया,
जी के अंदर फाइव वैल्यू रखनी है, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी फाइव, तो एफ एक्स यदि फाइव है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा निकल के आपका, कितना आ गया बताओ, एक्स की पावर वन अपॉइंट थ्री बराबर फोर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 64 आ गई, तो एक्स की वैल्यू 64 यहाँ डालो, क्या आएगा 3 माइनस 64 की पावर 1 अपॉन 3 प्लस 64, तो 3 माइनस कितना आ गया ये 4 प्लस 64 कितनी आ गई 63 आ गया है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो कितना आंसर आ जाएगा 63 आ जाएगा, जी 5 है ना। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, 5Z2 अपॉन 7Z1 इज प्योरली इमेजिनरी, इज प्योरली इमेजिनरी है ना, तो कह रहा है बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी 2Z1 प्लस 3Z2 अपॉन 2Z1 माइनस 3Z2। तो देखो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ना, नोट दिस। तो एक काम करो छोटा सा, पहले तो ये क्या दे रखा है प्योरली इमेजिनरी, तो आपको पता है कि x प्लस आयोटा वाई यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो प्योरली रियल कब होता है ये, जब y इक्वल टू जीरो हो, प्योरली इमेजिनरी कब होता है जब x इक्वल टू जीरो हो, और इमेजिनरी कब होता है जब y नॉट इक्वल टू जीरो हो, x तो पता नहीं लेकिन y नॉट इक्वल टू जीरो हो तो अपन कहते हैं इमेजिनरी। तो प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या हो गया, सिर्फ ये क्या है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें क्या है सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है ना। तो एक काम करो आप, तो कुछ मत करो इसको, बस एक इमेजिनरी पार्ट कुछ मान लो जिसको आप बोल दो Z1 है ना, इसको मान लो आप P, क्या मान लिया इसको P। अब देखो ये ना साफ दिख रहा है कंपोनेंटो डिविडेंडो लग रहा है ये ना, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये A B, तो ये देखो A प्लस B और नीचे क्या बन रहा है A माइनस B, तो A अपॉन B कोई रेशियो रहा होगा उसमें मैं क्या लगा दूँ कंपोनेंटो डिविडेंडो, तो ये आ जाएगा फॉर्म। तो यहाँ से ही ये चालू करते हैं अपन, क्या करेंगे सबसे पहले बताओ, यहाँ से सॉल्व करो क्या आ जाएगा Z1 अपॉन Z2 बताओ, पहले रेसिप्रोकल करो फिर 7 को वहाँ ले जाओ और 5 को वहाँ ले जाओ, तो ये आ जाएगा आपका 7p और रेसिप्रोकल होके ये हो जाएगा 5/7p, ये आ रहा है मेरे ख्याल से है ना। अब क्या करो आप, Z1 के साथ कितना चाहिए आपको 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, Z2 के साथ क्या चाहिए 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, सही है ना। तो क्या हो जाएगा ये 2Z1/3Z2 इक्वल टू कितना हो गया 10/21p, तो ये कितना हो गया 2Z1। अब कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, क्या कहता है कंपोनेंटो डिविडेंडो, यदि a अपॉन b बराबर c अपॉन d है तो क्या हो जाएगा a प्लस b अपॉन a माइनस b बराबर होगा c प्लस d अपॉन c माइनस d के, तो क्या हो जाएगा यहाँ से बताओ 2z न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन में न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 10+21p अपॉन में 10-21p, दोनों साइड क्या लेना है अपने को मैग्नीट्यूड लेना है, मॉडुलस लेना है, तो दोनों का मॉडुलस ले लिया, तो कितना आ गया ये सॉल्व होके मॉड ऑफ 10+21p का मॉड अपॉन में 10-21p का मॉड, ये तो पता है ना Z1 अपॉन Z2 का होल मॉड इक्वल होता है किसके, Z1 का मॉड अपॉन Z2 का मॉड है ना, इमेजिनरी है ना क्वांटिटी अपनी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा अब ये बताओ मेरे को इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बीच में प्लस हो चाहे माइनस हो है ना, x प्लस आयोटा वाई और x माइनस आयोटा वाई दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहता है सेम ही रहता है ना, आप z का मैग्नीट्यूड ले लो चाहे z बार का मैग्नीट्यूड ले लो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आता है सेम आता है, तो क्या हो गया 1 आ जाएगा है ना, क्या आ जाएगा 1। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर आपका होता है ये जेई मेन्स का जो आपकी ये चल रही है ऑनलाइन GTS फॉर जेई मेन, इसमें मेजर सिक्स था ये है ना, मेजर सिक्स का सॉल्यूशन ये हो गया आपका। अब आगे मिलते हैं ना मेजर 7 की, आप अच्छे से मेहनत कर लो तैयारी करो, कोई डाउट है तो आप डाउट ऐप पर भेज दो अपने है ना, आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं डाउट ऐप है ना, कई सारी चीज़ें बना रखी हैं आप उसमें भेज दो इंस्टीट्यूट पर, बाकी कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछते रहिए। थैंक यू सो मच।